हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ मनीष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग BSCG लेक्चर्स तो हाय गाइस आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे बढ़िया होंगे एंड अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो देखिए बी वी हमारा बी वी वन थ्री वन हमारा बुक कोड है एंड बात करें बुक का नाम तो बायोडाइवर्सिटी माइक्रोब्स एलगी फंगई एंड आर है और रही बात यूनिट की तो यूनिट हमारा एट चल रहा था मालूम ही होगा आप सभी को इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे एल के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे तो देखिए क्या है पहला यूनिट का जो मतलब ये आठवां जो यूनिट है इसका हमने पहला पार्ट बना दिया है आपने देखा ही होगा तो ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो का तो देखिये बिना समय व्यर्थ करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप जाइए फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आप सभी को और रही बात वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं ठीक है बड़ा रहेगा वीडियो थोड़ा और बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा कहेंगे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है इस चैप्टर का एल का एंड ईजी भी है बहुत ज़्यादा ईजी है आपका ठीक है एल में जो आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि कुल मिला के आपका पढ़ने लिखने का क्या कुछ ना कुछ तो एक मोटिव होना चाहिए ना तो देन ये सारा मोटिव जो है आपको इस चैप्टर में मिल जाता है देखिए अब हम आज बात करेंगे बायो फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे क्या गाइज बायो फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे बायो मतलब बायो मतलब एक तरीके से ऑर्गेनिक समझ लीजिए क्या है ऑर्गेनिक नॉट यूजिंग एनी केमिकल कंपाउंड और फर्टिलाइजर तो आप जानते ही हैं फर्टिल फर्टिलाइजर एज अ क्या है न्यूट्रीटिव uh, मेटीरियल होता है फॉर प्लांट एंड देर क्रॉप्स वगैरह जो होते हैं क्रॉप प्लांट जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन uh, प्रोवाइड करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं गाइज पिछला टॉपिक आप सभी को मालूम ही होगा पिछले टॉपिक में हमने क्या है uh, देखिए कुछ ये टॉपिक्स थे हमारे जिसमें हमने क्या है uh, सीवेज डिस्चार्ज एंड क्या कहते हैं आ, सीवेज का ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था ना तो ये कुछ पिछले टॉपिक थे छोड़िए पिछले टॉपिक को क्या ही बोलना जब हम इस टॉपिक पे आ गए देन देखिए क्या है? स्टार्ट कर दें हम बात करें विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जिससे जिस प्रकार से क्या है हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम हमें ज़रूरी है कि अपने क्रॉप को भी अपने फसल को भी क्या है ईल्ड को बढ़ाना है क्या प्लांट के फ़सल को बढ़ाना है और वो क्या है एक तरीके से ये रिज़ल्ट क्या देता है लार्ज स्केल ऑफ़ यूज़ ऑफ़ केमिकल फर्टिलाइज़र यानी जिस तरीके से हम क्या है हम अपने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को का पेट भरने के लिए हम इनक्रीज़ करते हैं क्या आ, क्रॉप uh, प्लांट्स की ईल्ड को हम इंक्रीज करने के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं सिंपली हम लार्ज स्केल पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं आपने देखा ही होगा जो किसान भाई बहन होंगे वो सब भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं देन देखिए क्या है इट इज़ ऑनली रिसेंटली डेट पीपल हैव रिलाइज डेट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन एनवायरमेंट पर्टिकुलरली द सॉइल ठीक है तो जैसे कि अभी हमने बहुत यूज़ करा करते 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 अभी मैं हाल फिलहाल में हमें यह भी मालूम चला कि भैया हम जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से दवा नहीं जह रहे ठीक है फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइजर एज ऐसा क्या है हार्मफुल इफेक्ट उसके देखने को मिले इन्वायरमेंट में और बात करें पर्टिकुलरली तो सॉइल पर भी आपको बहुत ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट देखने को मिला ठीक है बताते हैं क्या क्या दिक्कत आई बिंग सॉल्यूबल इन वाटर मस्ट सो फर्टिलाइजर एडेड टू द क्रॉप बाय एनी अवे इरिगेशन एंड रीच टू रिसोर्सेज लाइक पॉन्ड लेक एंड रिवर क्या है जिस तरीके से हम आ, हमें पता है कि फर्टिलाइजर क्या होता है आपका वाटर सॉल्यूबल होता है हाँ। तो जिस तरीके से हम क्रॉप में ऐड करते हैं फर्टिलाइजर को डालते हैं छिड़कते हैं और क्या है इरीगेशन के वक्त क्या है वो वाटर क्या है इरिगेशन के सब रेन जब आता है ना बारिश वगैरह आता है तो वो क्या है बह के वो जो मिट्टी का जो ऊपर लेयर में आपका जो फर्टिलाइजर का एक्सट्रैक्ट वगैरह जो रहता है वो किस में चला जाता है रिसोर्सेज रिसोर्सेज जो वाटर हमारे पॉन्ड्स हो गया लेक हो गया रिवर में जाके बह जाता है ठीक है तो कुछ इस प्रकार से होता है देन बात करें हम दिस ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ एलगी एंड बैक्टीरिया लीडिंग द सीवियर वाटर पॉल्यूशन और इसी क्या है कि ये जो आपका है ब्रिंग द ग्रोथ ऑफ एलगी और एलगी का ग्रोथ या बै बैक्टीरिया की बात करो एक तरीके से आ, क्या है लीडिंग टू सीवियर वाटर पॉल्यूशन वाटर को पॉल्यूट भी करने का काम करते हैं ये क्या है एलगी ग्रोथ एल्गी जिसमें मतलब जिस वाटर रिसोर्स में एलगी हो रहा है बैक्टीरिया हो गया उससे क्या है हमें ये मालूम चलता है कि यहाँ वाटर क्या है पॉल्यूटेड है देखिए क्या है बिजाइड सच अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट कुछ क्या है अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं आपको जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र इफेक्ट क्या करता है हमारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो सॉइल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या करता है इफेक्ट करने का काम करता है तो देखिए क्या है एक तरीके से कुछ समय के लिए तो वो प्रॉफिटेबल होता है ग्रोथ करवाता है क्रॉप्स वगैरह का लेकिन बाद में क्या है एक तरीके से बाद में जो क्रॉप्स होते हैं एक तरीके से वो अनफिट हो जाता है यानी कहने का मतलब है केमिकल फर्टिलाइजर एक तरीके से सही नहीं होता हमारे क्रॉप्स के लिए देखिए क्या ट्रेडिशनली फार्मर्स जो हैं वो यूज़ क्या करते थे फार्म यार्ड मैनुअर क्या है एफ वाई एम एफ वाई एम यानी जो क्या होता है एग्रीकल्चर uh, जो वेस्ट आपका प्रोड्यूस होता है क्या होता है एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका यूज़ करते थे क्या खेत में एज अ फार्म यार्ड मैनुअर मैनुअर आपका क्या होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ही हम मैनुअर कहते हैं देन देखिए क्या है? ऑल दो दे आर गुड एज सॉयल एज कंडिशनर बट एज द पुअर इन न्यूट्रेंट तो क्या है एक तरीके से हम बात करें वो जो एफ वाई एम है आपका फार्म यार्ड मैनुअर है वो एक तरीके से सॉइल <laughs> के लिए गुड कंडिश्नर तो होता ही है बट करें न्यूट्रेस न्यूट्रेंट्स uh, की बात करें न्यूट्रेटिव मेटेल्स की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कंसनट्रेशन जो होता है कम देखने को मिलता है इसलिए उसे हम क्या कहते हैं पुअर इन न्यूट्रेंट्स है ना पुअर इन न्यूट्रेंट्स होता है इन रिसेंट ईयर ऑफ ईयर ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सॉरी हाँ ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट रिच ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन टर्म एज बायो फर्टिलाइजर हैव बिकम पॉपुलर ठीक है तो हाल के सालों में हम क्या देखने को मिला है कि जो ऑर्गेनिक वर्ड आपने देखा ही होगा ऑर्गेनिक सब्जी ऑर्गेनिक मसाले ऑर्गेनिक दाल ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी तो एक तरीके से क्या है जो न्यूट्रेंट रिच फर्टिलाइज़र की बात करें हम जो कि बायोलॉजिकल टर्म है एक तरीके बायोलॉजिकल ऑरिजिन टर्म एज अ बायो फर्टिलाइजर है वा? यानी हम क्या निव्ट्रें है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक न्यूट्रन रिच न्यूट्रेंट रिच फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और ये क्या है जिसे हम कैसे क्या क्या टर्म दे दिया हम हमने बायो फर्टिलाइजर हमने टर्म दे दिया याद रखिएगा कैसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट रिच फर्टिलाइजर को ही हम बायो फर्टिलाइजर एक टर्म दे दिया जो कि आज के समय में काफ़ी पॉपुलर है ये टर्म है ना हम बात करें कुछ जो एल्गी होती हैं एलगल बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी एलगी से बने फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो उसे हम एलगल बायो फर्टिलाइजर कहते हैं वो यूज़ किसके द्वारा मतलब डेवलप हो गया आ, यूज सक्सेसफुली इन इंडिया हमें क्या है कि इंडिया में जिस तरीके से डेवलप किया गया है ये एलगल फर्टिलाइजर एक तरीके से इंडिया में सक्सेसफुली इसका यूज़ होते हुए देखा जा रहा है और देखिए इसको हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे नीचे तो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सी वीड आप सभी को मालूम होगा ये देखिए सीवीड है ये आपका तो सीवीड जो है आपका कोस्टल एरियाज वगैरह में पाया जाता है वाल्ड अशोर है ना एक तरीके से कोस्टल एरियाज में आपको क्या है देखने को मिलता है ये क्या होते हैं दीज आर कलेक्टेड कंपोस्टेड लाइक फार्म यार्ड मैनवर और एक तरीके से क्या है ये कलेक्ट क्या करते हैं कंपोस्टेड लाइक फार्म यार्ड की तरह कलेक्ट uh, करते हैं सीवीड कंपोस्ट जो है आपका हम बात करें वो क्या होते हैं रिच इन मिनरल्स होते हैं रिच इन मिनरल्स तो कौन कौन से मैं बता दूं आपको पोटेशियम हो गया फॉस्फेट हो गया सल्फेट हो गया और भी कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं ठीक है ये देखिए पोटेशियम फॉस्फेट सल्फेट एंड ट्रेस एलिमेंट्स जो है आपके आ, मिल जाते हैं देखने को बात करें हम सेवरल वेजिटेटिव वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें तो जैसे कि आपका भिंडी हो गया ब्रिंजल हो गया टैपियोका हो गया या फिर आ, क्यू करबिट्स हो गए फ्रूट लाइक लेमन हो गया, -like गया ट्रीज सच एज पाम ट्रीज हो गया या पपाया हो गया ये सारे आपको क्या है बेनिफिटेड बाय दिस मैनर यानी ये जो आपका बायो फर्टिलाइज़र है एल्गल बायो फर्टिलाइज़र है या मैं बोलो सी वीड से बना फर्टिलाइजर है उसका यूज़ काफ़ी सारे प्लांट्स या मैं बोलूँ प्लांट स्पीसीज में यूज किया जाता है जो कि एक तरीके से प्रॉफिटेबल है और बेनिफिटेड बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है बात करें एक्सट्रैक्शन की तो देखिए किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सीवीड ये क्या होता है बायो फर्टिलाइजर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सीवीड्स होते हैं है ना सीवीड्स को क्या किया जाता है बॉयल किया जाता है पानी में और एक तरीके से फाउंड टू बी स्टेमुलिट्री एंड द जर्मिनेशन एंड द सीडलिंग ग्रो द रेड ग्राम ठीक है तो इसमें क्या है एक तरीके से जर्मिनेशन होता है और जो सीडलिंग ग्रोथ होता है ग्रो होता है तो वो एक तरीके से रेड ग्राम होता है क्या होता है रेड ग्राम हाँ यानी टमेटो एंड अदर प्लांट्स इनमें क्या है यूज़ किया जाता है इसका हम बात करें सच एक्सट्रैक्ट्स आर कमर्शियली अवेलेबल इन नॉर्वे एज एलिगर्ड एलगीफर्ट एंड एस एम थ्री इन इंग्लैंड ठीक है तो कुछ कमर्शियलीलेबल भी आपको मिल जाएंगे कुछ कंट्री में इनके एक्स्ट्रैक्ट को हम क्या है uh, जैसे कि ए एफर्ट करके आपका क्या है नॉर्वे में जाना जाता है और एस एम थ्री आपका इंग्लैंड में जाना जाता है कुछ एलगल फर्टिलाइजर हैं ठीक है सीवीड फर्टिलाइजर हैं देन देखिए क्या है सिमिलर वाटर कन एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉमन साइनोबैक्टीरिया लाइक देखिए क्या है जो वाटर से एक्स्ट्रैक्ट किए गए जो साइनोबैक्टीरिया है कॉमन साइनोबैक्टीरिया जिसको हम क्या है ये है आपका सिलेंड्रो स्पेरम है एंड uh, कैलोथ्रिक्स है एंड एनाबेना है एंड ओलो है क्या है ओलो जो कि आपका फाउंड कहाँ होता है ऑल्सो फाउंड इन बेनिफिशियल फॉर द मतलब ये सारे पाए जाते हैं आपको वाटर में देखने को मिल जाएंगे जो कि क्या होते हैं बेनिफिशियल होते हैं ग्रोथ के लिए किसके तो अच्छे ईल्ड चाहिए आपको क्रॉप से या वेजिटेबल से तो इसके लिए क्या होता है बेनिफिशियल होता है हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है टर्बीन एरिया जो है आपका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर फॉर पाम ट्रीज पाम ट्रीज जो होता है ना जिससे ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए आ, उसमें है क्या टर्बीन एरिया नाम का जो आपका फर्टिलाइजर है जो कि एलगल फर्टिलाइजर होता है उसका यूज हम करते हैं अब हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन एलगी की गाइज ब्लू ग्रीन एलगी तो देखिए क्या है कुछ ऐसी एलगी होती है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया क्या है ग्रो होता है तो सोलो पोडल्स में आपको ग्रो होता हुआ दिखेगा या फिर मेटल यानी जहाँ पे मेटल का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा uh, होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा समर में क्या है वेयर एवर जहाँ पे सनलाइट है या पानी है अवेलेबल है ज्यादा मात्रा में तो वो वहां पर आपको ग्रो होता हुआ दिख जाएगा ठीक है समर सीजन में क्योंकि उनके लिए एक तरीके से अडेप्टेबल फेवरेबल कंडीशन आपका समर सीजन होता है साइनोबैक्टीरिया के लिए बात करें हम थिक uh, मैट एक तरीके से थिक मैट डेवलप हो जाता है विद इन अ वीक लगभग एक हफ्ते में आप देखिएगा किसी जगह पे बहुत सारा पानी जमा है और वहाँ पर uh, क्या है प्रॉपर uh, सनलाइट आ रहा है तो आपको क्या है एक तरीके से एक हफ्ते के अंदर एक चटाई की तरह बिज जाएगी मैट की तरह आपका बिज जाएगा वहाँ पे फिर देखिए क्या है इसको क्या करते हैं हम ड्राई करते हैं इसको हम ड्राई करते हैं इसलिए हम इसको ड्राई करके और इसको क्या है बैग्स वगैरह में डाल देते हैं बैग में डाल देते हैं देन क्या है ये जो फार्मर जो है तो हाउ द फार्मर देर ओन फर्टिलाइजर ड्यूरिंग द समर सीजन वैन द फील्ड विदाउट द क्रॉप्स क्या है कि जब समर के सीजन में फार्मर्स जो है अपना फसल नहीं उगा रहे होते तो ये फर्टिलाइज़र क्या है उस समय ये क्या है ये फर्टिलाइज़र वहाँ पे उगा सकते हैं विदाउट द क्रॉप क्या है द समर सीजन वैन द फील्ड इज़ विदाउट द क्रॉप ठीक है यानी कहने का मतलब है कि जब समर सीजन में कोई आपको फसल नहीं दिखता खेत में तो उसमें क्या है वो अपना ओन फर्टिलाइज़र क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं अपना खुद का फर्टिलाइजर वहाँ पे ग्रो करते हैं ग्रो कर सकते हैं देन देखिए क्या है कुछ जो ड्राई एल्गल मटेरियल है ये आपको क्या है रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएंगे क्या है गाइज नाइट्रोजन का जो है आपको वहाँ पर रिच सोर्स मिल जाएगा फॉस्फोरस भी मिल जाएगा उसमें बिजर्ड सेवरल और कुछ बहुत भी मतलब बहुत से इंपॉर्टेंट मेटेरियल्स होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपको उसमें मिल जाएगा हम बात करें एग्री एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तो वो क्या है एक तरीके का किट सप्लाई करते हैं फार्मर्स को जो कि क्या है उसकी मदद से मतलब उसकी मदद से क्या करते हैं फर्टिलाइज़र बना सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं ठीक है फर्टिलाइजर ग्रो करते हैं यानी उनके पास एक किट होता है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट द्वारा जो भी बनाया जाता है उसके वो क्या है एग्रीकल्चर किट प्रोवाइड कराती हैं देन वो फार्मर क्या करते हैं उसको ज़मीन पे डाल के प्लेंटी ऑफ वाटर प्रोवाइड करा के वो अपना फर्टिलाइज़र खुद ग्रो करते हैं गया ये मेथड जो है आप धीरे धीरे क्या है बहुत पॉपुलर होता है और ये पॉपुलर हो रहा है मतलब किस में जो पैडी है आपका धान का जो फसल होता है राइस जो होता है पैडी पेडी उसमें हम क्या है उसको ग्रो करने के लिए हम क्या है उन एरिया में जैसे साउदर्न इंडिया जो है आपका ये मेथड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ठीक है साइन जो है आपका ऑल्सो एडेड टू द पैडी फील्ड ठीक है तो आपका साइनो क्या है पैडी फील्ड में भी आपको आ, एड ऐड किया जाता है देखा होगा आपने इमिडिएटली आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग कब और जैसे ही मतलब उसमें डाल देते हैं साइनोबैक्टीरिया देन उसके बाद क्या है तुरंत ही उसमें क्या है जो छोटे छोटे सीडलिंग्स तैयार करते हैं उसके बाद उसमें बुआई करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है ट्रांसप्लांट कर देते हैं देन देखिए क्या है ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से करते हैं और क्या है नाइट्रोजन की सप्लाई को प्रॉपर सप्लाई करते रहते हैं एंड बात करें अदर न्यूट्रिएंट्स की तो जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली और बाय देयर डे ठीक है कैसे मिलता है उनको तो या तो डायरेक्टली मिल जाता है प्लांट को या फिर उनके सड़ने के बाद भी उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है बात करें हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें आईएआरआई की बात करें जो कि न्यू दिल्ली स्थित है आपका न्यू दिल्ली में है उन्होंने डेवलप करा एक सिंपल मेथड इंडियन फार्मर्स के लिए कि वो भी अपना क्या है बायो फर्टिलाइजर्स ग्रो कर सके देखिए क्या है कुछ जो नॉन स्टॉक इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है जैसे कि आपका हो गया एनाबेना और ऑरिजाई हो गया एंड नॉन स्टॉक कम्यून हो गया आपका या फिर टॉलीपोथ्रिक्स टीनियस हो गया एंड फिर ओलोसिरा फर्टी लिसिमा हो गया आपका एंड ये क्या है एनाबाइनो एनाबायनोपसिस एनोल्डी ठीक है और आपका हो गया ये कैलोथ्रिक्स कॉनफरविकोला एंड हैपलोसिफोन एंड सिचिला एंड मैस्टी मैस्टिगो क्लेडस और वेस्टिला एंड वेस्टा ठीक है तो कुछ अजीबोगरीब नाम हैं इनके साइनोबैक्टीरिया के जो कि क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जाता है देखिए क्या है वाटर फन की बात करें वाटर फन आपका क्या है एजोला एजोला का पिक्चर में दिखाता हूं आपको वो क्या है वेरी कॉमन मिलेंगे आपको क्या है पॉन्ड्स uh, जो है इंडिया के जो जहाँ भी आप पॉन्ड्स में देखिएगा छोटे मोटे तालाब और गड्ढे वगैरह जो होते हैं वहाँ पे आपको क्या है वाटर फर्न यानी एजोला आपको मिल जाएगा ठीक है हरा हरा कर देता है पूरा हार्बर ऑफ ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एक तरीके से क्या है हार्बर होता है क्या है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एना है इन इट्स लीव पॉकेट उसके जो लीव पॉकेट में क्या है आपको वेरी कॉमन इन पॉन्ड ऑल ओवर इंडिया ठीक है तो यानी एना बना जो है आपको लीफ पॉकेट मतलब हर जगह आपको क्या है जो भी छोटे मोटे गड्ढे तालाब जो होते हैं वहां पे आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे हम बात करें चाइना और वियतनाम की बात करें चाइना वियतनाम और साउथ ईस्ट कंट्रीज की बात करें वो लोग क्या है इसे ग्रो करते हैं यूज और यूज कैसे करते हैं एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं ठीक है इन द राइस फील्ड वो क्या है राइस फील्ड में भी यूज करते हैं एज वेल एज फीड फॉर कैटल एंड पोल्ट्री ठीक है क्या है कि वो अपने जानवरों को भी खिलाते हैं साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग जो की जाती है जानवरों को मुर्गी वगैरह उसको भी दिया जाता है ठीक है तो बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे इसका यूज होता है देन बात करें ये वेरी रैपिडली ग्रो भी होता है हम बात करें आ, ये क्या है राइस फील्ड में इनोकुलेट भी आपको देखने को मिल जाएगा वृद्धि करता हुआ दिख जाएगा आपको एंड बात करें इट कैन बी ग्रोन सेपरेटली एंड कंपोस्टेड क्या है उनको सेपरेटली ग्रो करा जाता है एंड कंपोस्ट करके स्टोर करके और उसके बाद क्रॉप में ऐड करते हैं जब जरूरत जैसी पड़ती है मान लीजिए कि नाइट्रोजन की कमी हो गई किसी लैंड में तो देन क्या है जो स्टोर्ड हमारे पास एल्गी रखा है उसको हम क्या है जाके फार्मिंग लैंड पे जाके छिड़क देते हैं देन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको क्या है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा वहाँ पे जो नाइट्रोजन की कमी है उसको भी फुलफिल कर देगा अब हम बात करें द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एजोला डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स सच एज सॉयल केमिस्ट्री प्लगिंग टेम्परेचर एरेडियंस वाटर एवेबिलिटी ठीक है जो आपका समय अंतराल है बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं होता मतलब डेवलपमेंट की बात करें एजोला का जो कि किस पे डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जैसे कि आपका हो गया सॉयल केमिस्ट्री हो गया ठीक है आ, प्लगिंग हो गया टेम्परेचर हो गया इर हो गया या हम बात करें वाटर एवेबिलिटी की बात हो गई कि वहाँ पे वाटर एवेबिलिटी कैसी है है ना मान लीजिए कि वाटर की एवेबिलिटी ना हो वहाँ पे उस एरिया में स्कासिटी हो वाटर की तो देन वहाँ पे एजोला जो है और डेवलपमेंट थोड़ा स्लो करता है या मैं बोलूँ उसका समय ज़्यादा लग सकता है ठीक है तो कितना समय लगेगा उसको ग्रो होने में तो ये डिपेंड कौन कौन से फैक्टर पर करता है तो याद रखिएगा सॉइल केमिस्ट्री प्लगिंग ठीक है किस तरीके से प्लगिंग कर रखा है या फिर नहीं कर रहा है प्लगिंग टेम्परेचर की बात कर सकते हैं क्या है कि समर सीजन में आ, जो एलगी होता है वो आपका रैपिडली ग्रो करता है ना और इेडियंस हो गया और वाटर एवेबिलिटी की मैंने बात बताई दी नेचर ऑफ इनऑक्यूलेंट इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटल क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिपेंड करता है ठीक है <coughs> बात करें हम डी ऑफ एजोला क्या है जब एजोला सड़ता है देन वो क्या है द फिक्स नाइट्रोजन बिकम्स अवेलेबल टू द क्रॉप ठीक है एजोला uh, के सड़ने के बाद जो नाइट्रोजन जो फिक्स होता है एक तरीके से uh, क्रॉप के लिए वो अवेलेबल होता है बात करें सक्सेसिव एजोला फार्मिंग की बात करें तो इसमें क्या है सेम फील्ड रिजल्ट एंड इनक्रीज सॉइल कंडीशनिंग क्या है सेम फील्ड में ही आपको क्या है जहाँ पे वो एजोला ग्रो हो रहा है एजोला फार्म फार्मिंग हो रहा है वहाँ पे जो अगल बगल आसपास के जो लैंड होंगे वहाँ पे भी क्या है आ, जो सॉइल है वो क्या होगा कंडीशनिंग हो जाएंगे यानी कहने का मतलब है वहाँ पे जो सॉइल है उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा हम इंडिया की बात करें इंडिया में जो एजोला टेक्नोलॉजी है वो सुटेबल किन के लिए तो स्मॉल स्केल फार्मर्स जो होते हैं ना हमारे इंडिया में आपको ज़्यादातर छोटे छोटे किसान देखने को मिलेंगे जो कि छोटे छोटे खेतों में खेती करते हैं है? तो क्या है जो ये हम एजोला की बात करें हैज़ हेज़बिन परफेक्टेड बाई इंडियन राइस इंस्टीट्यूट जो उन्होंने इंडियन राइस इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कटक उड़ीसा में आपका तो उन्होंने एक तरीके से इसे माना है कि ये जो छोटे फार्मर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्टेड रहेगा एजोला की टेक्नोलॉजी अब हम चलते हैं इनका पिक्चर देखते हैं थोड़ा ये देखिए पहला वाला आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाला जो पहला वाला जो पिक्चर है लाइनिंग लाइनिंग से ये देखिए तार जैसा बना ये आपका है नॉस्टॉक क्या है नॉस्टॉक ठीक है ये नॉस्टॉक है और बात करें छोटा हो जा और छोटा हो जा हाँ थोड़ा सा नीचे हो जा बस वेरी गुड फिर देखिए गया है टॉलीपो थ्रिक्स क्या है ये ये वाला है आपका टॉलिपो टॉलिपो थ्रिक्स टीनियस क्या है टी ई टी न्यूविस ठीक है इसके बाद है ये एना बेना है ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एना बेना है आपका एना बायना ठीक है आयना बायना और ये आपका है कैलोथ्रिक्स ये जो है मोतियों की माला ये आपके क्या है कैलो थ्रिक्स ठीक है तो आप भी अपने तरीके से इनके फिगर को याद रख सकते हैं जैसे आपको सुटेबल लगे देखिए क्या है ब्लू ग्रीन एलगी इज आल्सो जूम हो जाओ हाँ तो ब्लू ग्रीन एलगी जो है आपका वो क्या है ऑल्सो uh, यूज किया जाता है uh, क्या है कि जो आपका रिक्लेमिनेशन रिक्लेमेशन ऑफ यूजर जो लैंड होता है यूजर लैंड 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 कहेंगे क्या है लैंड यानी रिक्लेमेशन का मतलब है जिस तरीके से क्या है आपको लैंड में क्या है कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं यानी उसमें न्यूट्रिटिव न्यूट्रिशन का नहीं न्यूट्रेंट्स की कमी हो जाए तो उस, उसको सुधार लाने के लिए क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है परफेक्टेड है परफेक्ट है एकदम यानी हमारे कंट्री की बात करें यहाँ पे लास्ट ट्रैक्ट ऑफ द लैंड आर नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन हमारे यहाँ कंट्री में देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लैंड हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है यानी उसमें अगर हम कोई भी क्रॉप ग्रो करने जाते हैं वेजिटेबल ग्रो करने जाते हैं तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि देखिए उसमें क्या है हाई आपको एल्कलाइन कंडीशन मिल जाएगा क्या हाई एल्कलाइन कंडीशन मिल जाएगा जिसमें क्या है कि जब भी हम कभी ग्रो करने जाएंगे कोई भी क्रॉप तो उसमें सुटेबली ग्रो नहीं हो पाएगा यानी सॉइल जो है सच ट्रैक्स आर नोन एज यूसर सॉइल ठीक है समझ में आ गया आपको यानी वैसा लैंड जहां पे हम क्या हो अनफिट हो फिट ना हो कल्टिवेशन के लिए और उसको वहां कंडीशन कैसा आपका हाई अल्कलाइन कंडीशन हो तो वैसे ट्रैक को वैसे सॉइल के ट्रैक को हम क्या कहते हैं ओसर सॉइल कहते हैं ठीक है तो ऊसर सॉइल आपको समझ में आ गया देन देखिए क्या है द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो देफ्यूजली आर ब्लू ग्रीन एलगी यानी सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है आपका जो कि इस मिट्टी में उसेल में ग्रो आसानी से हो सकता है तो कौन सा है आपका तो देखिए क्या है ब्लू ग्रीन एलगी आपका ब्लू ग्रीन एलगी ईजिली ग्रो हो जाता है हम बात करें रेनी सीजन के दौरान ड्यूरिंग रेनी सीजन क्या है बर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू रिटेन एंड द रेन वाटर एंड इट देन इनऑक्यूलेटेड विथ ब्लू ग्रीन एलगी आपको क्या है बर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू रिटन द क्या है रेन वाटर है ना बर्ंडस वगैरह जो बनाए जाते, जाते हैं कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जिससे क्या है रेन वाटर को हम क्या कर सके रिटर्न कर सके वापस से या मैं वाटर हारवेस्टिंग भी कह सकते हैं रेन वाटर हारवेस्टिंग तो एक तरीके से क्या है इट इज़ देन इनऑक्यूलेटेड विथ ब्लू ग्रीन एलगी तो ये क्या है यहाँ पे जब जहाँ जहाँ पानी वगैरह घटता होता है वहाँ पे आपको क्या है इनआक्यूलेट होता हुआ दिखेगा आपको ब्लू ग्रीन एलगी वगैरह ठीक है हम बात करें एलगी की तो रैपिडली ग्रो होता है फॉर्म थिक मैट एडिंग अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मैटर टू फील्ड ठीक है एक तरीके से बहुत थिक मैट जो है ऐड कर लेता है जिस भी सरफेस पे वो मौजूद होता है और एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर होता है उस फील्ड में एंड बात करें लोअरिंग द एल्कलाइनिटी ऑफ द सॉयल और क्या है Uh, क्या कहते हैं जो एल्कलिनाइट सॉरी एल्कलाइनिटी है आपका सॉइल का उसको क्या कर देता है कम कर देता है क्या कर देता है उसको कम कर देता है समझ में आ गया आपको यानी जो बर्ड्स बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि रेन वाटर को क्या कर सके रिटेन किया जा सके वापस से एंड देन जब वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो रेपिडली बढ़ता है देन वो एक मैट बना लेता है एंड उसके बाद जो और वो ऑर्गेनिक मेटेल जो होता है वो क्या करता है एल्कलिटी कम कर देता है सॉइल का ठीक है तो कुछ इस तरीके से होता है बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस इस रिपीट इस प्रोसेस को रिपीट करते करते क्या है दो से तीन सीजन क्या है क्वालिटी ऑफ द सॉइल इम्प्रूव मार्क मार्केटली एंड वन कैन ग्रो क्रूप्स लाइक राइस वीट एंड सुगर कैन इन सच लैंड ठीक है तो यानी इस क्या है दो से तीन सीजन में हम क्या है इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं और इससे क्या होता है आपको ऑटोमेटिकली जो आपका सॉइल का क्वालिटी है वो क्या हो जाता है इम्प्रूव हो जाता है तो फिर इसमें हम क्या है आसानी से आपको क्या है राइस ग्रो होता हुआ दिख जाएगा वीट ग्रो होता हुआ दिख जाएगा और शुगर केन भी आपका ग्रो ईजली हो जाएगा ये सारे क्या है आ, ये सारे प्लांट जो है हाईली न्यूट्रेटिव क्या कहते हैं सॉइल ढूंढते हैं देन क्या है आपको न्यूट्रेटिव सॉइल नहीं रहेगा तो देन वहाँ पर ग्रो भी इजिली कोई भी फसल वगैरह नहीं ग्रो होगा देखिए ये एजोला लीफ है जस्ट नॉट अ लीफ बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर ठीक है ये एजोला प्लांट जो है एजोला क्या है एल्गी है इसमें ये लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको फिर ये क्या है अंदर में इसका डोरसल लोब मिल जाएगा ये लीफ के अंदर क्या है कैविटी मिल जाएगी क्या है कैविटी और ये आपको एन एना आपको दिख ही रहा है ठीक है तो कुछ इस तरीके से इसमें होता है एजोला प्लांट हार्बिंग द ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गा आपका जो एना है तो ठीक है ये आपको क्या है इस तरीके से आपको देखने को मिलता है अब देखिए एस ए क्यू फोर की बात करेंगे हम क्या एस ए क्यू फोर की बात करेंगे तो देखिए क्या एल्गल फंड जो है एसोसिएट करता है यूज टू एनरिच राइस फील्ड विथ नाइट्रोजन ठीक है तो इसमें हमें क्या है राइट द नेम ऑफ दी क्या है हमें नेम बताना है, है ना तो राइट द नेम ऑफ दी क्या लिखा है राइट द नेम ऑफ द एलगी इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग यानी जो कौन सा एलगी इसमें इन्वॉल्व होता है उसका क्या है हमें नाम लिखना है तो बहुत ईजी है ये तो चलिए बताते हैं आपको तो पहला आपका कौन सा होगा यानी इसमें क्या बोल रहा है एलगल फंड एसोसिएशन होता है यूज टू तो इनरेज द राइस फील्ड विथ नाइट्रोजन तो कौन सा होगा आपका याद है आपको कुछ याद आ रहा है तो देखिए इसका होगा आपका एना बेना है ना अभी अभी हम हमने देखा एना बायना और बताइए एजोला एना बायना एजोला एजो ला ठीक है अब हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गा का जो क्या है आपका फर्टिलाइजर है जो फर्टिलाइजर यूज होता है तो बताइए कौन सा होता है यूज है तो इसमें तो आप बहुत सारा लिख सकते हो चाहे तो बहुत सारा लिख सकते हो आपको मैं दिखाता हूँ ब्लू ग्रीन एल्गा जो आपका एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है कहाँ चले गए हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए uh, तो देखिए ये वाला आपका हो गया सम ऑफ दी आर यूज टू नहीं ये नहीं, नहीं, नहीं ये नहीं है ये नहीं है वेयर इज the... हाँ ये देखिए ये देखिए तो यहाँ पे आपको ये कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी दिख जाएंगे क्या है आपका नॉस्टॉक कम हो गया ियस हो गया ओलोसिरा फर्टी क्या है फर्टी लिसीम, हो गया फिर हो गया एनाबाइनोपसिस एडोनिल एडोल्डी हो गया आपका हो गया कैलोथ्रिक्स कॉनफेरा कॉर्नफेरविकोला हो गया आपका और क्या है ये हैप्लोसिफोन हो गया ये क्या है फ्रिट्स चिला हो गया एंड ये बात करें तो मैस्टिगो क्लेडस हो गया आपका ये वेस्टिला हो गया एंड वेस्टिल हो गया तो ये क्या है कुछ इंपॉर्टेंट एलगी हैं जो कि क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ब्लू ग्रीन एलगी हैं तो याद रखिएगा आप इनमें से दो चार एग्जांपल भी याद रख रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा हाँ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा तो इसमें क्या है सी वीड यूज टू फुलफिल फर्टिलाइजर नीड टू नीड ऑफ प्लाम पाम ट्रीज इन इंडिया ठीक है तो कुछ सी वीड होते हैं जो कि क्या है पाम ट्रीज में यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर की नीड को पूरा करता है तो बताइए याद है आपका कुछ याद आ रहा है टर्बिन एरिया क्या है टर्बिनेरिया, टर्बिनेरिया क्या है हम एज अ सी वीड यूज करते हैं जो कि क्या है आ, मतलब एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं कौन है सी वीड जो है आपका टर्बिन एरिया जो कि क्या करता है फर्टिलइज न्यूट्रंट की कमी को फुलफिल करता है अब हम बात करें अ टाइप ऑफ एलगा यूज फॉर एनरिचिंग दॉय एंड मिनरल ठीक है एक तरीके से कौन सा एलगा है आपका जो कि क्या है सॉइल में एनरिच करता है मिनरल्स को बढ़ाता है ना तो बताइए कौन सा है तो सीवीड हो जाएगा आपका सीवीड सीवीड में आपका कोई सा भी हो जा हो सकता है ठीक है अब देखिए क्या है द एल्गा ग्रो तो एल्निटी so, को की alkalinity को कौन सा एलगी uh, कम करता है तो आपका हो गया ब्लू ग्रीन एलगी हो गया ठीक है याद रखिएगा ब्लू ग्रीन एलगी या एलगा जो भी है एलगी क्या करता है कम करता है एल्कलिटी काम करता है अब बात करेंगे हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे देखिए किस तरीके से एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम क्या है एल का यूज़ करते हैं तो देखिए क्या है फॉसल फ्यूल रिजर्व जैसे कि हमारे कौन कौन से फॉसल फ्यूल रिजर्व हो गए तो कोल हो गया आपका पीट हो गया क्रूड ऑयल की बात करें क्रूड ऑयल प्रोडक्ट तो ये सारे क्या है हाइड्रोकार्बन से और नेचुरल गैस की बात करें तो ये क्या है सारे हमारे अर्थ पे क्या है लिमिटेड अमाउंट पे हैं ये क्या है नॉन रिनेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं ठीक है ये दोबारा से उत्पत्ति इनको होने में बहुत टाइम लगता है ठीक है तो क्या एट प्रेजेंट हमें क्या ज़रूरत है कि बिग कंज्यूम एट द मच फास्टर रेट देन द ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे कि हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है तो क्या है एनर्जी का आ, कहें कंजप्शन वो क्या है बहुत ही ज़्यादा रेट से बढ़ बढ़ता है या मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा कंजप्शन किया जाता है हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या है दे ये सारे क्या है नॉन रिनेबल अभी मैंने बताया नॉन रिनेबल होते हैं यानी ऐसा इस्टीमेट किया जाता है कि ये आ, बहुत जल्दी ही डिप्लेट कर जाएंगे यानी समाप्त हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे ठीक है अब देखिए क्या है देयर फोर सीरियस एफर्ट आर बींग मेड फाइंड आउट अल्टरनेट रीनबल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी यानी हम हमें क्या है कि कुछ सीरियस एफर्ट दिखाने पड़ेंगे ताकि हम क्या कर सके कुछ अल्टरनेट रिनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम ढूंढ सकें ठीक है बाहर ला सके फाइंड आउट कर सकें देन देखिए क्या है एल्गी ने को हमने आइडेंटिफाई करा है एक तरीके से uh, पोटेंशियल मतलब उसके पोटेंशियल सोर्स को हमने देख के हमने सोचा है कि भाई एलगी से भी हम क्या एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो कैसे तो एलगल बायोमास जो है आपका हमने इसके बारे में जिक्र करा था एलगल बायोमास जो कि फाउंड क्वाइट सुटेबल फॉर यूज इन बायोगैस प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग मिथेन गैस ठीक है इसका क्या है क्वाइट सुटेबल होता है ये यूज इन बायोगैस प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस ठीक है जो मीथेन गैस जब क्या कहते हैं मीथेन गैस का प्रोडक्शन करती है मैं बोलूँ बायोगैस का यानी जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक uh, रूप से हम क्या है गैस uh, का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या है आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है तो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हम एलगल बायोमास का यूज़ करते हैं यानी एक तरीके से क्वाइट सुटेबल है देन देखिए क्या है इट कैन बी फर्मेंटेटेड इन अनएरबिक एन एरोबिक डाइजेस्टर एज सोल सबस्ट्रेट और अलॉन्ग विद द सीवे स्लज जैसे कि आपका सीवे स्लज होता है ना तो उसमें क्या है इसके जो फ्रेगमेंटेशन होते हैं फ्रेगमेंटेड जो होते हैं फ्रेगमेंट होते हैं उसको क्या है अन एरोबिक डाइजेस्टर के हम हाँ उसको उसमें डाल देते हैं ठीक है सोल सबस्ट्रेट होता है आपका एक अकेला सबस्ट्रेट देन देखिए क्या है और क्या है सीवेज uh, स्लज के साथ हम डाल देते हैं जैसे कि इट वाज सोन डैट स्पिर वेन एडेट टू द सीवेज जब क्या है इस को हम सीवेज uh, सलज में डालते हैं तो वो एक तरीके से क्या है डबल uh, कर देता है क्या कर देता है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन जो है आपका डबल कर देता है जैसे कि हम बात करें uh, क्या है ये भावनगर सैरगेसम भावनगर में मतलब भावनगर में क्या है सैरगेसम टेनेरियम हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज इन बायोगैस प्लांट ठीक है तो भावनगर में जो सैरगसम टर्मेनियम है आपका सक्सेसफुली यूज़ किया गया है एज अ बायोगैस प्लांट में ठीक है और भी हैं आपके एलगी जो हैं जो कि उनके पास बहुत सारे पोटेंशियल हैं जिससे कि हम एनर्जी का प्रो, प्रोडक्शन कर सकें जैसे कि स्पिरोलेना हो गया आपका आपका क्या हो गया आ, बोट्रियो कोकस हो गया आ, बरोनी हो गया है ना ब्रोट्रियो बो, कोकस बरोनी हो गया एंड सैरगसम टेनेरियम टेरमियम की बात तो हमने करी ली ये क्या है आपका एल्टेरोमोनास ग्रेसिलिस हो गया आपका क्लाइमिडोमनास हो गया डोनेलिया क्या है आपका डोनेलिया हो गया एनाबेना हो गया हाइड्रोजन का फॉर्म मतलब आ, क्या कहते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें प्रोडक्शन करने के लिए अब देखिए क्या है एलगल सिंथेसिस एनर्जी क्या होता है रिच मॉलिक्यूल लाइक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं एलगी एलगी से जो हम क्या है एनर्जी सिंथेसिस करते हैं वो एक तरीके से लॉन्ग चेन हाइड्रो का आपका मॉलिक्यूल होता है मतलब बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा यानी और क्या है ग्लिसरॉल और लिपिड भी फॉर्म फॉर्मेशन करता है हम बात करें कुछ एलगी जो है जो कि ग्रो होता है विदाउट नाइट्रोजन और सिलिकॉन के क्या है कुछ एलगी जो है वो ग्रो किसके थ्रू होता है बिना नाइट्रोजन और सिलिकॉन को भी वो ग्रो कर जाता है और वो इंक्रीज किसे करता है तो सिंथेटिस uh, जो है आपका लिपिड के सिंथेटिस को वो बढ़ाता है ठीक है ये जो एनर्जी रिच केमिकल है कैन बी यूज्ड कन्वर्टेड इंटू पेट्रोल एंड डीजल ठीक है तो ये जो एनर्जी है ना आपका मतलब एनर्जी रिच केमिकल्स जो है इसका हम क्या है पेट्रोल में कन्वर्ट करके डीजल में कन्वर्ट करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं यानी ये देखिए क्या है ग्लिसरॉल जो है रिक्वायर है क्या कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें हम ग्लिसरॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना ग्लिसरीन ग्लिसरॉल इसी से सब बनाया जाता है आ, देन देखिए क्या है ये किसे प्रोड्यूस किया जाता है तो एल्टेरामोनाज ग्रेसिली द्वारा या फिर क्लैमिडोमनाज और डोनेलिया डोनेलिया जो है आपका एलगी इनके द्वारा किया जाता है ग्लिसरॉल जो है आपका मेजर फोटोसिंथेट होता है डोनेलिया में क्या है ग्लिसरॉल आपका क्या है मेजर uh, फोटो होता है आपका डोनेलिया में एंड बात करें ये जो है यूनिसेलर होता है वॉललेस हेलोफाइटिक एल्गा होता है क्या हेलोफाइटिक यानी नमकीन पानी में रहता है और एक तरीके से आइडल ऑर्गेनिज होता है uh, ग्लिसरॉल के प्रोडक्शन के लिए ठीक है क्या है ये हमें कहाँ ग्रो किया जा सकता है एरिड जोन में भी किया जा सकता है यानी वैसा जगह जहाँ पे रेगिस्तान है मतलब वहाँ की मिट्टी बलवाही टाइप मतलब रेतीली है जैसे कि आपका राजस्थान हो गया है ना राजस्थान में एल्सवेयर हाई सेलाइन वाटर कहाँ है वहाँ भी हम ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर है, है तो यानी रेडली अवेलेबल होना चाहिए है ना इसका जो बायोमास है वो क्या है रिच इन प्रोटीन प्रोटीन होता है आपका

लाइला ला है सॉरी डूने लाइला है ना डुने लाइला ऑल दो अ गुड लिक्विड फ्यूल क्या है ग्लिसरॉल uh, क्या है एक तरीके से गुड फ्यूल नहीं है लिक्विड फ्यूल की बात करें क्योंकि ये क्या है हाईली ऑक्सीजनेटेड होता है क्या है इट इज हाईली ऑक्सीजनेटेड बट इट कैन बी कन्वर्टेड टू अदर लिक्विड फ्यूल्स लाइक इथेनॉल लेकिन हम क्या है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कौन से फ्यूल में तो इथेनॉल हो गया ब्यूटेनॉल हो गया प्रोपेन हो गया प्रोपेन डियोल uh, हो गया आपका देन दैट कैन बी यूज एज अब्सिट्यूट फॉर पेट्रोल क्या है एक तरीके से सब्सिट्यूट पेट्रोल के सब्सिट्यूट के तौर पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसका ग्लिसरोल का हम बात करें ब्राज़ील का तो ब्राज़ील में इथेनॉल जो है uh, क्या है यूज़ uh, किया जाता है प्लेस ऑफ पेट्रोल यानी पेट्रोल की जगह वहाँ पर पूरा पूरा इथेनॉल का यूज कर किया जाता है यानी और यू एस ए की बात करें तो यू एस ओ क्या यू एस ए क्या करता है इज एडेड टू गैसोलिन एंड सोल्ड एज अ गैसोहोल क्या है ये गैसोलीन में ऐड करता है इसे गैसोलीन आपका क्या है एयर फ्यूल होता है आपका तो ये क्या करता है गैसोलीन में आपका ग्लिसरॉल को ऐड करके गैसे हॉल बनाता है और उसको फिर बाद में दूसरी तरीके से फ्यूल का यूज करा जाता है हम बात करें अदर एल्गा की जो कि पोटेंशियल है काफी पोटेंशियल मिल जाएगा यानी बॉट्रियोकोकस बरोनी है आपका जो कि विच अंडर सेलाइन कंडीशन क्या है Uh, वो अंडर सेलाइन कंडीशन में प्रोड्यूस होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के साथ वो फैटी एसिड भी बनाता है इन सुमात्रा ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रॉम दिस एलगा क्या है सुमात्रा ऑयल जो आपका निकाला जाता है वो किसके थ्रू निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट किसके तो इसी एलगा के uh, से एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहाँ पे देखिए ये डोने लाइला आपका डुने लाइला सेल, uh, सेलिना क्या है सेलिना हो गया आपका ये आपका कौन सा है बॉट्री ठीक है आगे चलते हैं हम द पॉसिबिलिटी ऑफ साइनो बैक्टीरिया है ड्रोन मच एंटेंसन क्या है जो पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन प्रोडक्शन की वो साइनो बैक्टीरिया जो है एक तरीके से काफी ध्यान अट्रैक्शन करता है एक तरीके से अपने और ध्यान आकर्षित करता है क्यों क्योंकि ये क्या है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है किस प्रेजेंस में तो लाइट के प्रेजेंस में वो क्या करता है हाइड्रोजन क्या करता है प्रोड्यूस करता है और एक तरीके नाइट्रोजन नाइट्रोजन फ्री एटमॉस्फेयर में यानी एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए देन वो क्या है आपका हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करता है देखिए क्या है उसके बाद हाइड्रोजन अलॉन्ग एयर इज यूज एज अ फ्यूल सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पॉल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन जो है आपका एज uh, अ क्या है एयर से यूज़ करके हम फ्यूल सेल्स बना के उसका क्या है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बिना पॉल्यूट करे इन्वायरमेंट को हाँ बिना पॉल्यूट के एनवायरनमेंट को हम क्या है उसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस तरीके से आजकल हाइड्रोजन गाड़ी की भी बात चल रही है तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं देन देखिए क्या है कुछ स्ट्रेन होते हैं एलगी के जो कि उनके पास बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के जैसे कि आपका क्लोरेला हो गया आपका सिन uh, डसमस हो गया आपका सिन कोकस हो गया मैक्रोसिस्टिस हो गया एन ऑस्टि ऑसिलेटोरिया हो गया तो ये कुछ ऐसे हैं स्ट्रेन हैं एल्गा के एल्गी के जो कि क्या है आपके हाइड्रोजन प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इनका पोटेंशियल है बात करें हम एन एरिया डेट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्सप्लोर्ड सस्टेन फोटो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रेट बाय साइनोबैक्टीरिया कि कुछ ऐसे भी एरिया हैं जिसमें हमने क्या है सक्सेसफुली एक्सप्लोर करा है जैसे कि हम क्या करते हैं फोटो प्रोडक्शन यानी अमोनिया का जो फोटो प्रोडक्शन करते हैं नाइट्रेट से बाय साइनोबैक्टीरिया ठीक है यानी अमोनिया का प्रोडक्शन किसे करते हैं नाइट्रेट से साइनोबैक्टीरिया का जो नाइट्रेट बनाता है नाइट्रेट से हम क्या है अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं किससे फोटो फोटो प्रोडक्शन के थ्रू है देखिए दिस रिक्वायर इनहेबिटेशन ऑफ एंजाइम ग्लूटेमेट सिंथ सिंथेटेज क्या है एक तरीके से हमें इसमें इनहेबिशन चाहिए होता है एंजाइम चाहिए होता है जो कि आपका क्या है ग्लूटेमेट सिंथेटेज uh, है जो कि यूज करके हम अमोनिया uh, का प्रोडक्शन करते हैं देखिए कॉन्सिक्वेंटली द एल्गा प्रोड्यूस अमोनिया हाई रेट्स विथ फेयरली हाई एफिशियंसी क्या है हम uh, जो एल्गा है प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया एलगा से प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया और अमोनिया के हाई रेट में आपको देख जाएगा फेयरली हाई एफिशियंसी भी उसका मिल जाएगा आपको देखने के देखिए क्या है ऐसे क्यू में आपका क्या है यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है इसमें स्टेटमेंट्स बताने कौन से सही है कौन से गलत हैं तो देखिए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड फैटी एसिड आर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स क्या ये सही है या गलत है बताइए गाइस है तो ये गाइज ट्रू है क्या है ये

ही आपका सही है ठीक है ब्लू ग्रीन एलगी का हम क्या है हाइड्रोजन uh, के एक्सप्लोरेशन में भी हम यूज करते हैं ठीक है बात करेंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यानी इंडस्ट्रीज में हम किस प्रकार से एलगी का यूज करते हैं एलगी में इंडस्ट्रियल पर्पज से हम किस तरीके से यूज करते हैं तो देखिए क्या लार्ज नंबर ऑफ एलगल प्रोडक्ट्स आपका जो है uh, जो कि प्रूव करा है बी अ ग्रेट कमर्शियल यूज यानी उसका हमने जो ग्रेटली कमर्शियल यूज़ करा है एक तरीके से उसने प्रूव करके दिखाया देखिए क्या वैरायटी ऑफ कंपाउंड आपको मिल जाएंगे जो कि ऑप्टेन किए गए किससे सीवीड से ऑप्टेन किए गए जो कि क्या है दिज आर डिस्कस्ड बिलो अंडर द हेडिंग्स ऑफ फाइको क्या है फाइको कोलियोड्स uh, क्या है कोलाइड्स कोलाइड्स एंड डायटोमाइट एंड पिगमेंट ठीक है तो इस तरीके से हमने इनका यूज़ करके हमने क्या है बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा है देखिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सीविड्स की बात करें इंडिया में तो कुछ स्पीसीज इंक्लूड किए जाते हैं जैसे रेड एलगी में आपका क्या हो गया ग्लैडिले क्या है इसका गैली डायला गैलीडाइला एक्रोसा एंड ग्रेसीलेरिया एडोलिस एंड ग्रेसीलेरिया कॉर्टिकेट कॉर्टिकेटा एंड ग्रेसीलेरिया फॉलीफेरा एरिया, क्रेसा एंड हाइपनिया म्यूसी एंड हाइपनिया वैलेंटाइन नहीं सॉरी वैलेंटिया एंड हाइपनिया क्या है ये पैना पेनोसा है पेनोसा हो गया आपका सैरग्रम uh, विटी ही हो गया वाईटी हो गया ठीक है वाइटी तो ये कुछ ऐसे एल्गी हैं सीवीड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं कमर्शियली पर्पज में हमारे कंट्री में बात करें तो जो सीवीड है उसका यूटिलाइजेशन क्या है यूज किया जाता है यूटि, आ, मतलब किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है तो बूस्ट करने के लिए गॉड बूस्ट थे सिंस द स्टेब्लिशमेंट ऑफ मरीन एलगल रिसर्च स्टेशन ऑफ मंदापम नियर रामेश्वरम क्या है कि किस तरीके से सीवीड यूटिलाइजेशन को बूस्ट मिला जब क्या है हमने मरीन एलगल रिसर्च स्टेशन का स्टेब्लिशमेंट करा कहाँ पे तो मदन सॉरी मंदा मंदापम है जो कि आपका रामेश्वरम मिल जाएगा साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना सबसे जो लास्ट पार्ट जो है ना साउथ में वो आपका मिल जाएगा देखिए क्या ऑल्सो ड्यू टू द इन इंटरेस्ट टेक बाय द सम यूनिवर्सिटी इन द कोस्टल एरिया जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि कोस्टल एरियाज में क्या करती थी वो मतलब एलगल इंटरेस्ट पे मतलब उस पर रिसर्च वगैरह करती थी तो उन्होंने ये इस्टेब्लिशमेंट करा देखिए मोस्ट ऑफ दी नेचुरल सीवीड जो कि आपके ग्रो कहाँ होते हैं कौन से एरिया में तो तमिलनाडु के जो कोस्ट है वहाँ पे आपको ग्रो करते हुए क्योंकि देखिए वहाँ पे जो आपका इंस्टीट्यूट है स्टेशन है वहीं पे आपको मिल जाएगा तो देन वहीं पे मोस्टली ग्रो किया जाएगा ना क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह है जो हैं वो रिसर्च करते हुए आपको दिख जाएंगे बात करें राम रामानंद डिस्ट्रिक्ट की बात करें वहाँ के जो विलेजर हैं उनके लिए क्या है प्रॉफ़िटेबल होता है कलेक्ट करना उसको सेल करना किसी सीवीड को लोकल इंडस्ट्रीज़ को है ना यानी गल्फ ऑफ मन्नार यानी श्रीलंका और और नीचे में तमिलनाडु है उनके बीच में जो आपका गल्फ पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार कहते हैं वहाँ पे आपको क्या है नंबर ऑफ आइलैंड्स मिल जाएंगे क्या है नंबर ऑफ आइलैंड्स मिल जाएंगे जहाँ पे क्या है रिच ग्रोथ ऑफ़ सी यानी वहाँ पे बहुत सारे सी के ग्रोथ होते हैं देन टुडे आज के समय में हम इन प्लेसेस में यूज़ कर रहे हैं एज अ लार्ज स्केल ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सीवीड्स क्या है वहाँ पे हम लार्ज स्केल पे सीवीड का कल्टीवे कल्टिवेशन कर रहे हैं और उससे क्या है बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट्स को हम एल्गल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं देखिए क्या है फाइको कोलोइड्स uh, की बात कर रहे हैं हम फाइको देखिए क्या है द कोलोइड्स द कोलाइड्स ऑप्टेन फ्राम एलगी एज अ फाइकोकोलाइड्स देखिए क्या है कोलाइड्स को जब एलगी से ऑप्टेन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं फाइकोकोलाइड्स कहते हैं इसमें क्या है इन सेलों में क्या है पॉलीसेकेराइड होता है तीन टाइप के आपको मिल जाएंगे तीन टाइप के मिल जाएंगे तो देखिए क्या एक स्ट्रक्चरल हो गया और दूसरा क्या हो गया एक्जोसेलर म्यूसिलेज हो गए एंड तीसरा आपका क्या हो गया इंट्रा इंट्रा क्या है एंटर असेलुलर रिजर्व जैसे कि स्टार्च हो गया आपका ठीक है सेल वॉल में आपका स्ट्रक्चरल हो गया एक्सो क्या है सेल्यर म्यूसलेज हो गया आपका इंट्रा एंट्रासेलर अलर रिजर्व यानी स्टार्च हो गया ये अलर रिजर्व होते हैं ना स्टार्च देन एक्सो सेलर म्यूसलेज की बात करें जो कि किससे बना होता है तो मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होता है किससे कहते मोनोसेक्राइड यूनिट जो कि आपका क्या हो सकता है सल्फेटेड भी हो सकता है कुछ ऐसे मोनोसेक्राइड हो सकते हैं जो कि सल्फेटेड हो सकते हैं और क्या है ये रिच होते हैं किसमें राइबोज राइबोज में रिच होते हैं और इसमें Uh, क्या है एराबिनोस भी आपको मिल जाएगा एराबिनोस मिल जाएगा ये कुछ कंपोनेंट्स है मोनोसेक्राइड्स हैं देखिए क्या है एनिमल जो है ऑल्सो कंटेन द सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या है सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड क्या करते हैं कंटेन करते हैं uh, ये जो है क्या द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट मेक्स दिस पॉलीसेक्राइड गुड थिकनिंग और uh, क्या है जेलिंग एजेंट्स क्या है uh, पॉलीसेक्राइड जो है आपका एक तरह से गुड थिकनिंग यानी किसी भी चीज़ को थिक करना या फिर जेलिंग एजेंट्स की तरह हम यूज़ करते हैं ठीक है गाढ़ा करने के लिए इस तरीके से हम यूज़ करते हैं देखिए क्या है आ, ये क्या है एल्गेनिक एसिड एल्गेनिक एसिड हो गया अगर हो गया आपका क्या हो गया ये कैरा रेगनियंस रेगनन्स हो गया ये क्या है हाई मोलिकुलर वेट के पॉलीसेक्राइड होते हैं जो कि पोजेस करते हैं किसमें होते हैं आपको कोलाइडल प्रॉपर्टीज में आपको मिल जाएंगे बात करें हम दे आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दी सेल वॉल एक तरीके से ये क्या है सेल वॉल के कंस्टिट्यूएंट्स मटेरियल होते हैं आपको कहा है मोस्टली रेड और ब्राउन एल्गी में मिल जाएगा आपको और यूज इसका किस तरीके से किया जाता है विस्कोफर्स के तरह यूज किया जाता है विस्कोफर्स क्या है इमोल एमल्सिफर्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स के लिए की तरह भी यूज़ किया जाता है ठीक है इन फूड हो गया आपका पेपर हो गया टेक्सटाइल हो गया ड्रग हो गया एंड काउ क्या है कास्टिक इंडस्ट्रीज हो गया कास्टिक इंडस्ट्री सॉरी कास्टिक इंडस्ट्री उनमें भी यूज किया जाता है सिंस देयर इज़ नो सिंथेटिक सब्सट्यूट ऑफ नॉन एल्गल सोर्सेज ऑफ ऑप्टेनिंग दैम यानी हमारे पास क्या है कोई भी ऐसा सिंथेटिक सब्सिट्यूट क्या है नहीं है जिससे क्या हम नॉन एल्गल सोर्सेज को हम क्या कर सके आ, अभी तक ऑपटेन कर सकें सीविट्स आर अ ग्रेट आर ऑफ ग्रेट वैल्यू यानी सीविट्स जो होते हैं आपके क्या ग्रेट वैल्यू में अब एल्गेनिक एसिड की बात करते हैं हम एल्गेनिक एसिड का क्या है फॉर्मूला देखिए यहाँ पे तो एल्गेनिक एसिड में आपको क्या मिल जाएगा सेल में सेल वॉल के अंदर क्या है एल्गी के एल्गेनिक एसिड क्या होता है प्रेजेंट होता है फॉर्म ऑफ एलगेनाइड्स क्या है एलगेनाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो देखिए क्या है एन हो गया आपका सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया कैल्शियम हो गया फोर सॉल्ट भी आपको मिल जाएगा आ, तो ये क्या है एसिड में आपको ये सारे क्या है एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे क्या है सोडियम सॉल्ट जो होता है आपका वाटर सोल्यूबल होता है और जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसमें क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखा है ये द एक्सट्रैक्शन डज विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है अब ये क्या है एल्गेनेट्स जो है यूज़ किया जाता है वाइड वैरायटी ऑफ पर्पजेज यानी बहुत सारे चीज़ों में बहुत सारे पर्पजों में यूज़ किया जाता है दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स यानी जो जल ना सके फैब्रिक वैसा कपड़े बनाने के लिए भी यूज किया जाता है प्लास्टिक आर्टिकल्स भी बनाने के लिए यूज किया जाता है और जो पॉलीमर होता है वो क्या है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है क्या है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एबजॉर्ब कर सकता है इसका पॉलीमर देअर फोर इट इज यूज एज अ हाईली एब्जॉर्बेंट गॉज इन इंटरनल ऑपरेशन टू स्टॉप ब्लीडिंग इफेक्टिवली क्या है एक तरीके से हाईली एब्जॉर्बेंट होता है ये है जिसे हम क्या इंटरनल ऑपरेशन में क्या है ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम कर सकते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम कर सकते हैं इफेक्टिवली देखने को मिला है ओविंग इट्स नॉन टॉक्सिक एंड कोलोइल प्रॉपर्टी इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक कैप्सूल इसमें क्या है नॉन टॉक्सिक्स और कोलाइडल प्रॉपर्टी के कारण ऐसे एंटीबायोटिक्स के कैप्सूल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है जैसे देखा होगा ना कैप्सूल के जो ऊपर लेयर होती है तो ये इसी चीज़ से, इसी से बनाया जाता है क्या ये क्या था एग्नी एग्नेटिक एसिड से ही बनाया जाता है ठीक है अब देखिए क्या है यहाँ पे एल्गनेटिक के उदाहरण देखते हैं कुछ पर्पज देखिए थिकनिंग एजेंट जो है आपके थिकनिंग एजेंट जैसे कि जैम हो गया जैम को क्या है थोड़ा गाढ़ा करके बनाना पड़ता है तो उसको थिकनेस उसमें देना होता है तो देन उसमें क्या है एल्गेनाइट्स का यूज़ करते हैं जेलीज में यूज़ करते हैं सॉस वगैरह जो बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें भी यूज करते हैं टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन सब में यूज़ करते हैं हम है। स्टेबिलाइजर की बात करें तो आइसक्रीम को स्टेबिलाइज करने के लिए क्या है एल्गेनाइट्स का यूज़ किया जाता है मिल्क शेक वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है स्क्वैश वगैरह जो होता है उसको भी स्टेबिलाईज करने के लिए यूज किया जाता है अब बात करें इमल, इमल्सीफायर्स की बात करें तो इमल्सीफायर क्या है प्रिपेरेशन ऑफ प्लांट एंड पॉलिस है ना एक तरीके से सॉरी प्लांट कह रहा हूँ पेंट पेंट हो गया और पॉलिश को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है जिससे कि आपको क्या है चमक मत, चमक दिखाए पेंट वगैरह जो हो गया पॉलिश हो गया उस पर क्या है चमक आता है, है ना इसमें यूज किया जाता है। अब बात करें हम सरफेस कोटिंग एजेंट की बात करें जो कि आपका क्या होता है फ्लेम प्रूफ फैब्रिक हो गया प्लास्टिक हो गया इसको बनाया जाता है फिर एब्जॉर्बेंट की बात करें तो इन सर्जिकल ऑपरेशन में यूज किया जाता है एब्जॉर्बेंट का ठीक है मैंने बताया था ना? ब्लीडिंग को रोकने के लिए देखिए देन कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करें वो क्या है वहाँ पे आपको कोस्ट में क्या क्या मिल जाएगा माइक्रोसिस्टिस की भरमार मिल जाएगी रिच इन माइक्रोसिस्टिस है वो एंड जो कि क्या है कमर्शियली हार्वेस्ट भी किया जाता है किसके लिए तो एल्गेनिक एसिड के लिए हार्वेस्ट किया जाता है हम बात करें नॉर्थ एटलांटिक एस्कोफाइलम की बात करें जो कि क्या है सोर्स ऑफ एल्गनाइट्स के एल्गेनाइट्स का आपका बहुत बड़ा सोर्स मिल जाता है कहाँ नॉर्थ एटलांटिक में एस्कोफाइलम जो हार्वेस्ट किया जाता है देन देखिए क्या है हमारी कंट्री में एल्गनाइट्स जो है प्रोड्यूस किया जाता है किससे तो सैरगसम से प्रोड्यूस किया जाता है और टर्बिन एरिया से भी प्रोड्यूस किया जाता है ठीक है जो जहाँ पे जैसा एलगी मिल जाए उसे हम क्या है एल्गेइट का प्रोडक्शन कर लेते हैं देखिए एलगी जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है किसके लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्गनिक एसिड कॉमनली हम क्या है एलगी का यूज़ हम एल्गेनिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं अब हम बात करें मैक्रोसिस्टिस की बात करें लेमिनेरिया की बात करें या एस्कोफाइलम या सैरगैसम और टर्बिनेरिया की बात करें तो ये क्या है कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एल्गेनिक एसिड के एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं अब देखिए क्या है अबेंडेंट ये आपको क्या है कोस्टल ऑफ जप कोस्टल को कोस्टल एरिया हो गया आपका चिले हो गया मैक्सिको हो गया यूएस हो गया यहाँ पे आपको क्या है बहुत ही भारी मात्रा में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ग्लैसेलेरिया एंड गैलेडियम आर एबेंडेंट इन कोस्टल जापान कोस्टल जापान में आपको क्या है ग्लै और गैलेडियम जो है आपको बहुत ही भारी मात्रा में मिल जाएगा चिले चिले मैक्सिको और यूएसए में भी आपको मिल जाएगा ग्लैडिले गैली गैली एक्री एक्रोसा ये आपको मिल जाएगा इज द प्रिंसिपल ईयर एल्डिंग एल्गा इन इंडिया ठीक है अब बात करें हम ड्यू टू इनडिसक्रिमिनेंट ड्यू टू इनडिसक्रिमिनेट हार्वेस्टिंग ईयर आफ्टर ईयर एक मतलब साल एक साल के बाद दूसरे साल हम जैसे ही करते रहते हैं, देन क्या है देयर इज ट्रेमेंडस डेपलेसन ऑफ नेचुरल ग्रोइंग सीविडस एंड सो नाउ इट्स नेसेसरी टू रिस्टोर इट यानी हम क्या है लगातार हम एक साल के बाद दूसरे साल हम क्या है उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं एक तरीके से गलत तरीके से हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या है आपको ट्रिमेंडोस uh, डिप्लेशन देखने को मिलता है ठीक है यानी कहने का मतलब जो नेचुरली ग्रो होने वाले सीड्स हैं उसको हम क्या कर रहे हैं रिस्टोर भी नहीं कर रहे हैं और क्या है उसको हम हार्वेस्ट किए जा रहे किए जा रहे हैं तो इसमें क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें आ, नुकसान देखने को मिलता है तो हमें क्या है जरूरी है कि हम उसे क्या करते है? हैं रिजोर्ट करके रखें ठीक है कल्टिवेशन टू प्राइवेट कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ सीवीड्स इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या है जो कल्टीवेशन किया जाता है रिजॉर्ट टू कल्टीवेशन टू प्रोवाइड कांस्टेंट सप्लाई यानी क्या है कि मान लीजिए कि मार्केट में क्या है डिमांड लगातार रहती है तो उसको लगातार सप्लाई करने के लिए कांस्टेंट सप्लाई के लिए क्या है सीविड का उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को देखना पड़ता है तो मैथड क्या है मैथड्स आर नाउ अवेलेबल फॉर मरीन कल्टिवेशन ऑफ ग्लैसेलेरिया एंड गैलेडेला एंड विलेज वोमेन जो है आर बीग ट्रेन टू अंडरटेकन दिस वर्क फिर फॉर एक्स्ट्रा इनकम तो क्या है हमें क्या है उन्हें सिखाना होगा इसमें मरीन कल्टिवेशन किस तरीके से ग्रेसिलेरिया या फिर गैलीडेलिया का हम कर सके विलेज वोमेन है उसको ट्रेंड करना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए ठीक है ठीक है क्योंकि विलेज वोमेंस किस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम कर सकती है तो ये जो मरीन सिविट्स हैं इन्हीं को उगा के अब बात करते अगर की जो अगर मीडियम होता है आपका जिसमें कि बहुत सारे आपके क्या हैं कल्टीवेट किए जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह वायरस, वायरस वायरस नहीं बैक्टीरिया बैक्टीरिया कल्टिवेट किए जाते हैं तो यही देखिए अगर मीडियम है अगर तो अगर कैसे बनाया जाता है देखिए ये क्या है जेलटेनियस सब्सटेंस होता है अगर जो कि आपका क्या कहलाता है फॉर द सॉलि सॉलिडिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया क्या है जो कल्चर मीडिया होता है ना जिसमें हम कल्चर करते हैं ना माइक्रोबायोलॉजी में जो टिश्यू कल्चर करते हैं हम तो उसमें क्या है एक तरीके से सॉलिडिफिकेशन करने के लिए मीडिया को सॉलिडिफिकेशन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं अभी अभी मैंने बताया भी था आपको क्या है कि बैक्टीरिया को हम कल्टिवेट करते हैं या फिर प्लांट होता है वो टिश्यू कल्चर के थ्रू हम क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं तो देन उसमें आपको क्या है अगर मीडियम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखता है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ एगरोज क्या है एक तरीके से मिक्सचर किसका होता है एगरोज और एग्रोपैक्टिन एग्रो पैक्टिंग जो है आपका उसका मिक्सचर होता है जो कि क्या है एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है तो अबाउट एट्टी एलगल स्पीसीज यानी अस्सी से ज़्यादा स्पीसीज हैं जो सी वीड के उससे क्या करा जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये क्या है कॉमनली यूज किया जाता है कॉमनली यूज एलगी आर ग्रेसिलेरिया एडोलिस गैलीडेला एक्रोसा एंड गैलीडियम ठीक है किससे कॉमनली यूज किया जाता है तो ये जो आपके कुछ स्पीसीज हैं इन्हीं से आपका क्या है यूज करता हुआ किया जाता है अगर मीडियम को निकालने के लिए एंड देन देखिए क्या है अगर मीडियम नहीं अगर सबस्टान जो है लाइक एल्गेनिक एसिड इट इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ पुडिंग्स पुडिंग्स आपने देखा होगा पुडिंग वगैरह बनाए जाते हैं वो भी क्या एक जेली टाइप होता है है ना या फिर आइसक्रीम या जेली या सूप इसमें भी यूज किया जाता है यानी एक तरीके से ये अगर जो है आपका एलगेनिक एसिड की ही तरह यूज भी किया जा सकता है अगर का हम एल्गेनिक एसिड की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है एज स्टेबलाइजर और इमल्सीफायर इट इज़ यूज एज अ कॉस्मेटिक क्या एक तरीके से स्टेबलाइजर भी है और क्या इमल्सीफायर है क्योंकि देखिए कॉस्मेटिक्स वगैरह जो होते हैं जैसे कि वो लगाते हैं तो किसी भी तरीके से पसीने से या किसी तरीके से बहना जाए तो इसलिए उसमें क्या स्टेबिलाइजर और इमल्सिफायर बनाते है, हैं डालते हैं क्योंकि इस इमोल्सिफायर क्या करता है एक तरीके से कॉस्मेटिक को ठहरा के भी रखता है एंड उसको क्या है एक तरह ग्लेजिंग एक तरीके से चमक है ना चेहरे की चमक को बढ़ाता है है ना तो ये आपका इसमें मिल जाएगा कॉस्मेटिक में यूज करते हुए लेदर में भी आपको दे मिल जाएगा यूज करते हुए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो करते ही है आपका बिकॉज ऑफ लैगजटेटिव प्रॉपर्टी इसकी जो लैग्जिव प्रॉपर्टी होती है इसलिए इसका यूज हम किस में करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या है कॉन्स्टिपेशन uh, के भी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं है ना जैसे कि आपका चिया सीड हो गया फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि आपका देखिएगा बिल्कुल एक तरह से गाढ़ा सा एक लिक्विड सा बना देते हैं ना एक तरफ थिक लिक्विड बना देते हैं जो कि जेली लाइक -like प्रॉपर्टी होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है ठीक है यहाँ एलगेनिक एसिड के बारे में कुछ लिखा है तो देखिए क्या है एल्गेनिक एसिड को हम एल्गिन भी कहते हैं क्या कहते हैं एल्गिन भी कहते हैं और एल्गेनेट भी कहते हैं याद रखिएगा कि क्योंकि ये क्या होते हैं ये एनायोनिक पॉलिसेक्राइड होते हैं क्या होते हैं एनायोनिक पॉलिसेक्राइड होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाइडली सेल वॉल ऑफ ब्राउन क्या है कि आपके जो सेल वॉल होते हैं ना ब्राउन एलगी के सेल वॉल वहां पे आपको मिलते हैं वेयर थ्रू द बाइंडिंग विद वाटर जो कि वाटर से बाइंडेड होते हैं एंड विस्कस गम बनाते हैं क्या है विस्कस गम फॉर्मेशन करते हैं फॉर्म करते हैं अब देखिए बात करते हैं हम आ, ये क्या है कैरा कैरागिनन है ये क्या है कैरागिनन है ये क्या है मेन सोर्स ऑफ कैरागिनन आर क्या है कॉन्ड्रस कॉन्ड्रस जो है आपका कॉन्ड्रस क्रिस्पस कॉमनली नोन जिसे आयरिस मॉस भी कहते हैं या फिर आ, क्या है इच्यूमा इचूमा सप भी कहते हैं आ, जो कि क्या है मेन सोर्स आपका क्या है कैरागिन का ये सारे आपको मिल गए <coughs> देखिए क्या है पॉलीसेकेराइड की बात करें इसके अंदर जो क्या है कैरागेनन के अंदर जो कैरागेन के अंदर जो पॉलीसक्राइड होता है वो क्या होता है सल्फेटेड होता है क्या होता है कहे सल्फेट होता है, है। यानी लाइक एल्गेनिक एसिड और अगर की तरह ये क्या है यूज़ किया जाता है डेयरी इंडस्ट्री में यानी डेयरी इंडस्ट्री हो गया आपका कॉस्मेटिक हो गया टेक्सटाइल हो गया फार्मास्यूटिकल हो गया लेदर हो गया ब्रूंग इंडस्ट्री हो गया इन सारी इंडस्ट्रीज में आपको क्या है कैरे कैरी कैरा रगिनन की यूज़ किया जाता है ठीक है इसका यूज किया जाता है फिर अब अब आते हैं हम डायटोमाइट पे आते हैं डायटोमाइट जो है क्या होता है रिजिड होता है स्लाइसीफाइड सेल्स वॉल मिल जाएंगे उसमें क्या है रिजिड और स्लाइसीफाइड सेल वॉल आपको मिल जाएंगे इसके क्या है इंटायर सेल वॉल में आपको क्या है डायटम मिल जाएंगे जो कि क्या है फ्रस्टल्स भी के नाम से भी जाने जाते हैं अब देखिए क्या है इसके जो फोस्टिलाईज फ्रस्टल्स होते हैं किसके डाएटम्स के जो कि कॉमनली आपके क्या है डायटोमाइट कहलाते हैं क्या कहलाते इसे कहते हैं दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म कर देते हैं और क्या सर्व कैसे करते हैं तो बायोजेनिक सिलिका सोर्सेज एक तरीके से जो बायोजेनिक सिलिका सोर्स का आपका मेन सोर्स आपका क्या है मतलब मेन सोर्स होता है कौन डाएटोमसियस अर्थ जो होता है यानी ड्यू टू लो डेंसिटी हाई पोरोसिटी एंड लार्ज सरफेस एरिया लो एब्रेशन कैपेसिटी एंड केमिकली इनर्ट नेचर डायटमाइट इज यूज इन इंडस्ट्री क्या क्या है इसके आ, क्या है आ, नेचर है तो क्या क्या है? हो ओ, हाई पोरोसिटी आपको इसमें हाई पोरोसिटी देखने को मिल जाएगा हाई डेंसिटी भी होता है ये एंड क्या है लार्ज सरफेस एरिया भी आपको देखने को मिल जाएगा लो एब्रेशन कैपेसिटी भी होता है और केमिकली क्या होता है इनर्ट होता है केमिकली इनएक्टिव होता है यानी इसके केमिकल क्या होते हैं इनएक्टिव होता है इसलिए इसको क्या है डाटामाइट को हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में देखिए क्या क्या पर्पज़ हैं और क्या क्या इसकी यूजेज़ हैं तो यहाँ पर देखिए हम फिल्टर में फिल्टर में हम इसका डाइटामाइट का यूज़ करते हैं क्या जैसे कि ल्यूब्रेटिंग ऑयल यानी ऑयल को हमें क्या करना है ल्यूबरेट लिबरेटेटिंग uh, ऑयल्स होते हैं जो यानी एविएशन फ्यूल्स से में उसको हम क्या करते हैं फिल्टर करने का काम करते हैं क्या करते हैं फिल्टर यानी रिफाइन कर और सुगर रिफाइन में भी हम इसका यूज़ करते हैं अब देखिए इंसुलेटर एज ए इंसुलेटर का हम कैसे यूज़ करते हैं तो आपके बॉयलर्स हो गए फर्नेसेज हो गए रेफ्रिजरेटर हो गए uh, इनके मेकिंग uh, मतलब फॉर मेकिंग साउंड प्रूफ रूम तो इनमें हम क्या है इंसुलेटर एज ए इंसुलेटर डायाटम का हम यूज़ करते हैं अब देखिए क्या है एब्रेसिव एब्रेसिव यानी इन स्कोरिंग पॉलिसिंग पाउडर लाइक टूथ पाउडर ब्लीचिंग पाउडर ग्रास ग्लास क्लीनिंग पेंट एंड वार्निश में हम इसका यूज़ करते हैं क्या है ये सारी चीज़ें क्या है चमक एक तरीके से चमक प्रदान करती है ना चमक गिव करती हैं तो इसका हम यूज़ करते हैं एब्रेसिव पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं अब देखिए कुछ एक और फिल्टर आपका क्या हो गया इन बैटरी बॉक्सिस में भी हम यूज़ करते हैं अब बात करें इनट सब्स्टांसिस तो इनर सब्सटांसिस किस तरीके से यानी कंट्रोलर ऑफ बर्न बर्न को कंट्रोल करना फ्रिक्शन को क्या है मैच द हेड्स एंड सिगार्स फॉर पैकिंग एक्सप्लोजिव मेटेरियल मेटेरियल यानी एक तरीके से बर्न को कंट्रोल करने वाला ऐसा हम उसका यूज़ करते हैं एज अ सिगार को के पैकेट में डाल के सिगार को हम क्या कहते हैं उससे रोल करके रखते हैं और क्या है एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हो गए उसको भी हम क्या है उससे कवर करके रखते हैं अब देखिए एब्जॉर्बिव सब्सटेंस एज अ क्या है हैंडलिंग पैकिंग हजारडस मटेरियल जो है आपके आ, उसमें हम क्या है एब्जॉर्टिव सब्सटेंस एज ए यूज़ करते हैं हम और आपका एंटी केक जो है आपका इन फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर में हम एंटी केक एज ए यूज करते हैं ठीक है एज ए एंटी केक यूज करते हैं अब देखिए गाय अब हम आते हैं पिगमेंट्स के क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सारे सबस्टानस क्या है पिगमेंट्स किसी न किसी पिगमेंट से बने होते हैं तो देखिए क्या है uh, जो क्राइटेरिया है जिससे हम क्या करते हैं एल्गी क्लासीफाई करते हैं यानी प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी जो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स हैं एक तरह से एलगी को हम कैरेक्टराइज़ करेक्टराइज या फिर क्लासिफाई करते हैं तो हम फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है तो देखिए क्या इसमें आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा कैरोटेन्स मिल जाएगा जेंथोफाइल्स मिल जाएगा और फ्यूकोजेंथेनिन भी भी मिल जाएगा जो कि एक तरह से एम्पार डिस्टिंग कलर सच एज आपको अलग अलग कलर में हो जाते हैं ये सारे पिगमेंट्स क्या अलग अलग कलर देते हैं एक तरीके से शो करते हैं यानी रेड ब्लू ग्रीन येलो गोल्डन एंड ब्राउन ये सारे कलर क्या है इन्हीं सारे पिगमेंट्स के कारण एलगी को मैं देखने को डिस्प्ले होते हैं देन देखिए क्या है ये एलगी जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं किस लिए कमर्शियल स्केल के लिए यूज़ करते हैं इतनी देर से हम यही समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं और यूज़ किया जाता है वेरियस पर्पजेज में वेरियस पर्पजेज़ में डोने लाइला और स्पेरोना जो है रिच सोर्स ऑफ क्या है बीटा कैरोटीन का आपका मिल जाएगा और प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए मिल जाएगा ये इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज ऑफ विटामिन बीटा कैरोटीन हम क्या है अदर सोर्सेज से कंपैरिजन करें बीटा कैरोटीन की तो माइक्रो एल्गी जो ऑफ़र क्या करता है बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफर करता है दे रिक्वायर शॉर्ट जनरेशन टाइम फॉर द ग्रोथ ये क्या है एक तरीके से कम समय लगता है इसके ग्रोथ में है ना काफी रैपिडली ग्रो करता है ना इसलिए इसके जनरेशन में हमें कम समय लगता है कैन बी ग्रो इन सीवर वाटर सॉरी सीवेज वाटर में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं ठीक है थीके? जो अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन है इसके अंदर जो क्या होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपको देखने को मिल जाएगा हम बात करें नोटेड डेट बीटा कैरोटीन जो है आपका आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ एंटी कैंसर ड्रग ठीक है एक तरीके से है इसे एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर इसे क्लासिफाई किया जाता है आइडेंटिफाई किया गया देन देखिए क्या है बीटा कैरोटीन जो है आपका पिगमेंट एंड अदर पिगमेंट लाइक जेंथोफाइल्स जेंथोफाइल्स कैंटा कैंटा जेंथिन एंड क्या है जिया जिया जेंथिन जेंथिन आर यूज एज अ फूड कलरेंट्स क्या है ये सारे जो पिगमेंट्स हैं इसका यूज़ किया जाता है एज अ फूड कलर यूज़ किया जाता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल बीटा कैरोटीन जो है यूज़ किया जाता है कलरिंग में यानी जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं उसमें जो कलर आ, मिलाना होता है तो उसमें हम क्या है बीटा करोटीन का यूज़ करते हैं एंड देखिए क्या मार्गरीन जो है और कैंटेक्सथिन है क्या है कैंटा कैंटेक्स एंथिन है जो कि यूज किया जाता है कलरिंग चिकन स्किन यानी चिकन के स्किन को कलर करने के लिए यूज किया जाता है बात करें गोल्ड फेस स्किन और योक एग योक तो इसमें क्या है कलरिंग के लिए यूज किया जाता है यानी जब हम उसको पोल्ट्री फार्म में वगैरह खिलाते हैं तो देन उसको स्किन में कलर वगैरह मे भी ऐसा ही होता होगा अब देखिए क्या है मेडिकल यूजेज की बात करेंगे मेडिकल यूजेज की बात करेंगे तो देखिए क्या कुछ एल्गी होते हैं ऐसे जो कि एंटी बैक्टीरियल होते हैं एंटीवायरल होते हैं और एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ आते हैं ठीक है तो ये क्या है यूज़ किए जाते हैं बाउंड हीलिंग यानी जो जख्म होता है चोट होता है उसको हील करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि और भी ट्रीटमेंट हो गया जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया गॉट गोइटर हाइपर टेंसन गॉल स्टोन एंड बॉल मूवमेंट एंड स्किन डिजीज एंड एज अ वर्मी फ्यूज़ भी हम यूज़ करते थे यानी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ में आपको यूज़ होता हुआ दिखता है बेनिफिशियल यूजेस ऑफ एलगी इन मेडिसिन इज समराइज़ देखें यहाँ पे कुछ एलगी uh, है जो कि uh, उसको उसका हम मेडिसिनल यूज़ में लेते हैं तो पहले हम बात करें एंटीबायोटिक का तो आपका क्लोरेलिन है जो कि क्लोरेला होता है आपका जिससे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाया जाता है अब हम बात करें बर्मी फ्यूज़ की बात करें तो काइनिक एसिड जो है आपका क्या है काइनिक एसिड यानी डिग डिगेनिया हो गया जो कि एक्टिव कंपाउंड जो होता है आपका वो आपका पाया जाता है इसमें देन देखिए कफ सिरप में भी हम आ, यूज़ करते हैं एलगी का जैसे कि आपका क्या हो गया ये आपका हो गया कैर रेगनिन रेगन हो गया यूज़ करते हैं हम एज अ कफ सिरप फिर बात करें एंटी कोगुलेंट की बात करें तो अगर आपका मीडियम है ही आपका जो कि मेडिकल मेडिसिनल यूज़ में आपका होता है एंड बात करें डायग्नोस्टिक टूल की बात करें जिसमें अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सीजियर ऑफ इन एपल एसपी तो इसमें हम क्या है कैनिक एसिड का हम यूज करते हैं डायग्नोस्टिक टूल में ठीक है अब देखिए क्या एंटीगैसर एजेंट होता है इसके अंदर जैसे कि आपका डी कोशन क्या है डी कोशन डी कोशन ऑफ लेमनेरिया सेरिगैसम सेरिगेसम में आपको मिल जाएगा एंड देखिए बाइंडिंग एजेंट ऑफ मेडिकल टैबलेट्स क्या है आ, जो हम टैबलेट को बाइंड करते हैं तो वो किसके थ्रू किया जाता है तो क्या है ये देखिए फ्यू को फ्यू कोडिन एंड अगर अगर के थ्रू इसका बाइंडिंग किया जाता है टैबलेट्स का याद रखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए बात करें अगर कंपनीज़ की बात करें एलगल कंपनीज अगर नहीं एलगल कंपनीज़ की बात कर रहे हैं हम तो सेवरल कंपनीज आपको बहुत सारे एलगल कंपनीज़ मिल जाएंगे जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करा है बिल्कुल लार्ज स्केल में और वो यूटिलाइज करते हैं एलगल के पोटेंशियल को बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट में हम बात करें डुपॉन्ट की बात करें और सोहियो की बात करें आपको यू में ये कंपनीज मिल जाएंगी और बात करें क्रिनिन ब्रीवेरी की बात करें और डायनिपा क्या है ये डायनिपा जो ये आपके क्या हैं uh, कंपनी ये आपको जापान के मिल जाएंगे इंडिया में क्या है थापर कॉरपोरेशन जो है वो क्या करता है एलगल कंपनी है वो एलगीज़ का प्रोडक्शन करता है देन देखिए क्या है uh, वेस्टर मतलब एलगी का प्रोडक्शन नहीं यानी एलगी के प्रोडक्ट से एलगल प्रोडक्ट्स बनाता है uh, वेस्टर बायोटेक्नोलॉजी बायो लिमिटेड ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया का है और ये आपका सियाम एलगी कंपनी आपका बैंकॉक कम में मिल जाएगा तो जो आपका जो मार्केट वैल्यू है एलगी का एक तरीके से बहुत बड़ा आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा जो कि क्या है गिव यू एन आइडिया द एलगल प्रोडक्ट एंड द मार्केट साइज यहां पे आपको क्या है एक डेटा दे रखा है जिसमें आपको मालूम चल जाएगा कि इसका जो मार्केट वैल्यू है कहां से कहां कितना हो सकता है इसका तो देखिए क्या है ये देखिए वराइटी ऑफ प्रोडक्ट ऑपटेन फ्रॉम द एलगल देयर अप्रोक्सिमेट वैल्यू एंड मार्केट साइज ठीक है तो देखिए क्या है एल्गल प्रोडक्ट्स की बात करें हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉपिक लेवल कंपाउंड जो होते हैं वो क्या है यूजेज एंड एग्जांपल क्या है आपका बायोकेमिकल एंड मेडिकल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है अप्रॉक्सीमेट की बात करें आ, कितना है ये ग्रेटर देन लिखा है वन थाउजेंड डॉलर पर केजी सोच लीजिए उसकी वैल्यू कितनी वन थाउजेंड डॉलर पर केजी आपका इसका क्या है बिकता है और एक तरीके से इसका मार्केट की बात करें तो ये थोड़ा सा छोटा मार्केट है अप्रोक्सीमेट छोटा मार्केट है आपका हम बात करें फाइकोबिली प्रोटीन्स की बात करें जो कि क्या है डायग्नोस्टिक फूड कलर होता है क्या डायग्नोस्टिक फूड कलर होता है तो ये आपको क्या है टेन uh, थाउजेंड से लेके आपको हंड्रेड तक डॉलर तक में पर केजी में भी आपको मिल जाएगा ये क्या है इसका मार्केट है अप्रॉक्सीमेट स्मॉल एंड मीडियम है ठीक है फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक हो तो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में यूज़ किया जाता है अननोन वेरी हाई यानी हमें पता तो नहीं है वैसे लेकिन होता बहुत ज़्यादा है और ये लाज लाज में यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है बहुत ही बड़ा इसका मार्केट साइज़ है एंड बात करें बीटा कैरोटीन की बात करें तो फूड सप्लीमेंट और फूड कलर में यूज़ किया जाता है यानी फाइव से थ्री डॉलर आपको पर के मिल जाएगा ये स्मॉल और मीडियम आपका इसका मार्केट साइज है फिर देखिए जैनतोफाइल्स की बात करें तो चिकन फीड और फिश फीड को यानी चिकन को फीडिंग कराने के लिए फ़िश को फीडिंग कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है तो ये आपको क्या है 500, 200 टू 500 या 1000 डॉलर पर के जी आपको मिल जाता है ये आपका मार्केट क्या है मीडियम मीडियम है एंड बात करें विटामिन सी एंड विटामिन ई e की यानी ये क्या है नेचुरल विटामिन है क्या है नेचुरल विटामिन तो ये क्या है टेन टू फिफ्टी डॉलर पर के जी आपको मिल जाएगा ये थोड़ा सा सस्ता है आपका ये क्या है इसका मार्केट आपको मीडियम मिल जाएगा अब बात करें हम हेल्थ फूड और हेल्थ फूड और पॉलीसेक्राइट्स की बात करें तो सप्लीमेंट में इसका यूज़ किया जाता है विस्कोफर गम और आयन एक्सचेंजर में भी यूज़ करते हैं तो ये भी आपको टेन टू ट्वेंटी और फाइव टू टेन डॉलर पर के जी आपको मिल जाएगा मीडियम से लेकर लार्ज इसका मार्केट साइज़ है एंड बात करें बाय वेल फीड की बात करें बाय वेल फीड की बात करें तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा ये आपको एक्वाकल्चर में किया जाता है इसका यूज तो ये ट्वेंटी टू हंड्रेड या वन टू टेन आपको डॉलर पर केजी मिल जाएगा इसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग ठीक है तो ये स्मॉल लार्ज आपको दोनों तरीके से मिल जाएगा बात करें सॉयल इन इनोक्यूला की बात करें तो एक तरीके से कंडीशनर या फर्टिलाइजर होता है ना? क्या करता है लैंड को फर्टिलाइज करने का काम करता है तो ये सौ से ज़्यादा में आपको मिल जाएगा सौ डॉलर प्रति के uh, जी आपको मिल जाएगा ये अननोन है कि इसका मार्केट कितना बड़ा है हमें मालूम नहीं है हम बात करें अमीनो एसिड की तो प्रोलिन और एर्गेनिन एस्पर रेट जो है आपका फाइव टू फिफ्टी डॉलर पर के जी आपको मिल जाएगा इसका भी मार्केट आपका बहुत अभी छोटा है स्मॉल स्मॉल है एंड बात करें सिंगल सेल प्रोटीन की तो जो एनिमल को फीडिंग कराया जाता है उसमें यूज ला, में लाया जाता है ये क्या है जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव डॉलर पर केजी आपको मिल जाएगा इसका मार्केट जो है बहुत बड़ा है देखिए इसका कॉस्ट भी बहुत छोटा है बहुत कम है है ना क्योंकि इसका मार्केट बहुत बड़ा है और देखिए क्या है वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल में आपको क्या है फूड फीड के लिए आ, क्या है यूज़ किया जाता है तो ये भी आपको क्या है जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट सिक्स डॉलर पर केजी आपको मिल जाएगा इसका मार्केट बहुत बड़ा है मरीन ऑयल्स की बात करें तो सप्लीमेंट में यूज़ किया जाता है वन टू थर्टी डॉलर पर केजी है इसका इसका मार्केट थोड़ा छोटा है वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो म्यूनिसिपल इंडस्ट्रीज जो होते हैं जो कि क्या करते हैं वेस्ट सीवेज वाटर को ट्रीट करते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है तो इसका क्या है वन डॉलर पर के आपको मिल जाएगा पर के जी एलगल आर्ज इसका भी हमें मालूम वैसे है नहीं एंड देखिए मीजन एस टू लिक्विड फ्यूल जो है आपका जनरल यूजेज में यूज किया जाता है तो ये जीरो पॉइंट टू से जीरो पॉइंट वन जो है आपका डॉलर पर के जी आपको मिल जाएगा इसका जो मार्केट है बहुत बड़ा है तो यानी मार्केट साइज की बात करें तो ये मतलब डॉलर मिलियंस में आपको मिल जाएगा टेन डॉलर से ज़्यादा भी मिल जाएगा जो आपका टेन डॉलर है वो क्या है स्मॉल कहलाता है और आपका जो क्या है हंड्रेड टू टेन के बीच में होता है वो मीडियम मार्केट कहलाता है और लार्ज आपका क्या है ग्रेटर देन हंड्रेड होता है आपका लार्ज होता है अब हम कुछ अदर इफेक्ट की बात करें तो देखिए क्या है हमने प्रीवियस सेक्शन में क्या है हमने स्टडी किया एलगल का कि वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं ह्यूमन के थ्रू ह्यूमन द्वारा किस तरीके से एलगी का यूज किया जाता है तो ये चीज़ अभी हमने डिस्कस करा कुछ ऐसे होते हैं एलगी के इफेक्ट जैसे कि एलगी डेट आर नॉट कंसीडर यूजफुल एंड वेलकम बाय ह्यूमंस जो कि क्या कहें यूजफुल तो नहीं होते हमारे लेकिन क्या है ह्यूमंस द्वारा वेलकम किए जाते हैं तो इस सेक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं यानी ये देखिए यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन क्या है है यानी एल्गल ब्लूम जो होता है, टेक्न, टेक्निकली आपको क्या कहते हैं उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं हम टेक्निकली इस टर्म का यूज करते हैं एल्गल ब्लूम का नहीं हम क्या कहते हैं यूट्रोफिकेशन कहते हैं अगर मान लिया कि किसी जगह एल्गल ब्लूम होता है तो यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू रैपिड एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एलगी कवरिंग द स्टेशनरी वाटर बॉडीज सच एज रिजर्वायर्स क्या है कि जो आपका स्टेशनरी वाटर स्थिर जहाँ पे पानी क्या होता है आ, क्या होता है स्टे करता है एक जगह पे स्टेशनरी रहता है रिजर्वायर्स जो होते हैं वहाँ पे आपको क्या है एक्सेसिव ग्रो मिल जाए क्या है एलगी का रैपिडली ग्रोथ कर जाए तो वो क्या कहलाता है यूट्रोफिकेशन आपका कहलाता है इसमें क्या है कि वाटर जो है आपका इंस्टांस इज नॉट सुटेबल फॉर रिक्रिएशनल परपज डेट आर फॉर स्विमिंग बोटिंग एंड फिशिंग एक्टिविटीज क्या है वाटर जो है आर नॉट यानी ये एक तरीके से सुटेबल नहीं होता किसी लिए तो रिक्रिएशनल पर्पज यानी जैसे कि आपका हो गया स्विमिंग के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदा पानी होता है बोटिंग की बात करें तो बोटिंग भी हम नहीं कर सकते और फिशिंग एक्टिविटीज भी हम नहीं कर सकते सुटेबल नहीं होता ये ठीक है अब बात करें ड्यू टू एलगल एड एलगल ग्रोथ पर्टिकुलरली ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर क्या होता है एलगल का जो ग्रोथ होता है पर्टिकुलरली किसमें क्लाउडी वेदर में आपको जब मिलता है तो क्या है uh, मतलब एक तरीके से आप देखिएगा कि जब वो एलगी जब ग्रो करता है ना तो एक तरीके से लेयर बना लेता है थिक मैट बना लेता है स्टेशनरी वाटर पे तो एक तरीके से क्लाउडी वेदर हो गया है ना और जो ऑक्सीजन जो होता है वो गेट डिप्लेटेड यानी पानी का लगातार यूज करते 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 क्या है वो एक तरीके से डिप्लेक्ट कर देता है वाटर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है तो ये आपको एलग ब्लूम में आपको देखने को मिलेगा एक्टोकैर यूट्रिफिकेशन uh, जो है आपका एज अ रिजल्ट तो इसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा रिजल्ट ये है कि जो फिश है या अदर एक्टिक एनिमल्स है गेट सफोकेटेड यानी उनका क्या है दम घुट जाता है और फिश जो है आपको डाई होता हुआ हो दिख जाएगा क्यों क्योंकि ये जो दे चौक इन माउथ एंड गिल्स गेट इन टैंगल्ड एंड लार्ज मासेस ऑफ एल्गल फिल्मेंट्स उसके जो फिलाेंट्स होते हैं लार्ज मासेज ऑफ एल्गल फिलाेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं एक तरीके से उनके गिल्स हो गए उनके माउथ में चौक हो जाते हैं जाके जमा हो जाते हैं और इस कारण वो क्या है सफोकेटेड फील करने लगते हैं एक तरीके से वो सांस नहीं ले पाते और वो क्या है मर जाते हैं मछलियाँ अब देखिए क्या टाइम क्या है कुछ टाइम क्या है यू एक्सपीरियंस द स्ट्रेंज ऑर्डर एट द टेस्ट इन योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्या है कि आप कभी कभी आपने देखा होगा जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो सप्लाई वाटर वगैरह पीते हैं तो उसमें क्या है स्ट्रेंज ऑर्डर यानी अजीब सी महक आती है उसमें uh, देखने को मिलता है क्या है ये किसके कारण होता है तो दिस इज कुड बी दिस इज कुट एलगी इज इम्पार्ट ग्रासी क्या होते हैं कि ये कुछ एल्गी जो होते हैं जो कि एक तरीके से ग्रासी ग्रासी होते हैं फिशी मस्टी और क्या सम मतलब इस टाइप के आते हैं जैसे कि घास का महक होता है ना उस तरीके से महक आएगा पानी में या फिशी यानी मछली का जैसा महक होता है उसकी तरह आएगा तो कुछ इस तरीके का ऑर्डर आता है पानी में कभी कभी स्वीट या फिर बेटर टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा यानी कड़वा या फिर कभी मीठा भी टेस्ट मिलता है ठीक है जो ऑर्डर जो है और टेस्ट है वो किसके कारण होता है तो मेटाबॉलिक जो होता है या मैं बोलो डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट जो होता है एलगी द्वारा वही उसी के कारण क्या है जो वाटर का टेस्ट और स्मेल है वो क्या है ऑर्डर है आ, क्या है चेंज हो जाता है ठीक है जो कुछ ही सेल जो होते हैं एलगी के जो कि जैसे कि क्रिसोफाइटा के डिवीजन में क्या होते हैं सफिशियंट होते हैं टू गिव बैड बैड टेस्ट क्या है कुछ जो होते हैं ना एक तरीके से जब उसमें डिवीज़न हो रहा होता है क्रिसोफाइटा में तो वो क्या है एक तरीके से बैड टेस्ट करने में या फिर फॉल्स मेल वाटर में डालने के लिए काफी होते हैं सिमिलरली हम बात करें सिनरा की बात करें तो ये uh, क्या है डाइटम से और ब्लू ग्रीन एलगी भी हैं गेट इन टू द फिल्टर ऑफ वाटर सप्लाई क्या है uh, uh, इसे कहा से गेट किया जाता है तो फिल्टर ऑफ वाटर सप्लाई में आपको देखने मिल जाए द फिल्टर गेट क्लॉग्ड एंड सीरियस इकोनॉमिक लॉसेज अकोर क्या है होता है कि मान लीजिए कि जब फिल्टर वाटर सप्लाई में ये ग्रीन एलगा या डाइटामाइट हो जाता है तो इसमें क्या है एक तरीके से फिल्टर आपका क्या हो जाता है क्लॉग्ड हो जाता है फिल्टर में अगर ये इकट्ठा हो जाए जमा हो जाए तो वो क्या हो जाता है बंद हो जाता है एक तरीके से क्लॉग्ड हो जाता है उसके पोर्स जो होते हैं ना सारे बंद हो जाते हैं एक तरीके से ये क्या सीरियस इकोनॉमिक लॉसेस का भी कभी कभी कारण बनता है जो आपका वाटर सप्लाई आता है तो उसमें आप देखोगे आर वगैरह प्लांट जो होता है उसके अंदर आपके क्या है ए, फिल्टर में एलगी इस तरीके से इस तरीके से ब्लॉक कर देता है उसको क्लॉक कर देता है जिससे कि उन्हें इकोनॉमिक लॉसेज का सामना करना होता है यानी फिल्टर ही कभी कभी चेंज करना पड़ जाता है कुछ एलगी जो है एम पार्ट ऑर्डर एंड टेस्ट टू वाटर इंक्लूड जो कि आपके क्या है ऑर्डर uh, और टेस्ट जो चेंज करते हैं वो कुछ एल्गी आपके कौन कौन से हो गए तो मैक्रोसिस्टिस हो गए आपके एनासिस्टिस हो गए क्लेमिडोमनास हो गए कैरेटियम हो गए सिंडेरा हो गया और साइनूरा हो गया आपका ठीक है तो कुछ एलगी ऐसे हैं जो कि आपके क्या है वाटर के स्मेल को टेस्ट को बदल देते हैं अब देखिए क्या है कुछ एलगी ऐसे हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं क्या है टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या है ह्यूमन के अंदर और एनिमल के अंदर क्या है डायरेक्टली हो या फूड के थ्रू क्या है एंटर uh, कर जाए तो क्या कर जाता है तो फॉर एग्जांपल अ पर्सन कैन गेट पॉइजन ऑन द कंज़प्शन ऑफ ऑइस्टर और फिश डेट फीड ऑन टॉक्सिक डाइन ऑफ क्या है एक तरीके से कभी कभी कोई व्यक्ति क्या है पॉइजन हो जाता है एक तरीके से किसका कंजप्शन जो ऑइस्टर होता है ऑइस्टर जस्ट लाइक प्रोन्स होता है मतलब साइज में बड़ा होता है और फिशेज हो गए इनको खाने के बाद क्या है uh, क्या है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है टॉक्सिक डायनोफ्लैगलेट्स होते हैं क्या होते हैं कि ऑयस्टर हो गया फिश हो गया किसका कंजप्शन कर लेते हैं टॉक्सिक डायनोफ्लैगलेट्स का कंजप्शन कर लेते हैं जो कि क्या होते हैं एक तरीके से टॉक्सिक्स होते हैं जो कि हम फिश के कंजप्शन के, के बाद हमें क्या होते हैं एक तरीके से फूड पॉइजनिंग सी हो जाती है या हमारी मृत्यु भी हो सकती है द एलगर टॉक्सिन इनहेबिट्स द नर्व ट्रांसमिशन एंड द रिजल्ट पैरलाइसिस एंड इवेंट मे कॉज डेथ क्या है एक तरीके से जो ये टॉक्सिन होती हैं वो क्या है हमारे नर्वस को इनहेबिट करती हैं उसमें से ट्रांसमिशन जो होते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल का उसे रोकती है और इसका रिजल्ट क्या है कि आपको बॉडी में पैरालाइसिस सा महसूस होने लगे एंड देन उससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है डेथ भी हो सकती है अब देखिए क्या है जैसे ही क्या होता है इंजेक्शन कर लेते हैं यानी निगल लेते हैं टेक कर लेते हैं टॉक्सिक एल्गी को क्या वाटर के ड्रिंकिंग वाटर के साथ जब हम तैर वैर रहे होते हैं तैर रहे होते हैं तो क्या है एक तरीके से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और कुछ इन स्किन इन्फेक्शन और रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी आपको हो सकता है ठीक है तो एल्गा प्रोटोथेका कॉजिस डिजीज़ प्रोटोथेकोसिस विच मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्किन लेसन क्या है एक तरीके से आपका जो एल्गा प्रोथेस्टेका जो है आपका इसे जब हम खा लेते हैं या चला जाता है हमारे बॉडी के अंदर तो ये क्या है प्रोथो प्रोटोथे

प्रोड्यूस एल्कोलॉइड्स विच आर न्यूरोटॉक्सिन जो फ्रेश वाटर में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोड्यूस होता है वो एल्कोलॉयड्स होते हैं जो कि क्या है न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं सम मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड कॉजिटिव एलगी लिस्टेड कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है एंड कॉजिटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं तो देखिए क्या है आपका जो डर्मेटिस क्या है डरमा डरमेटिस है जो कि स्किन इन्फ्लेमेशन है इन्फ्लेमेशन है जो कि, कि किसके द्वारा होता है आपका तो देखिए क्या है लिंग बया मोजोस्क्यूला एंड क्लोरेला ठीक है ये कुछ काजटिव एजेंट है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होने को देखने को मिलता है उसी प्रकार से हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की बात करें तो किसके कारण होता है एनाबेना एंड एन ऑसिलेटोरिया ठीक है तो कुछ ऐसे पानी वाटर का हम कंजप्शन कर लेते हैं जिसमें कि एनाबेना ऑसिलेटोरिया हो गया तो उससे क्या है हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है कुछ रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी होता है जो कि आपका क्लोरेला हो गया ऑसिलेटोरिया हो गया एनाबेना हो गया गिमनोडियम हो गया ये क्या है ये सारे कॉजिटिव एजेंट है जिससे क्या है हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो क्या है पायरोडोनियम एंड प्रोटोगोनिया गोनियोलक्स जो है आपका वो क्या है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपका कर देता है देन एल्गल सिलोकोसिस की बात करें तो आपका कॉजिटिव uh, एजेंट कौन हो गया तो डायमाटो डाइटमोसियस अर्थ हो गया ठीक है आर्सेनिक पॉइजनिंग की बात करें तो क्या है जब हम एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सीविड कर लेते हैं तो हमें आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाता है फिर एलर्जेंस uh, की बात करें तो लिंग बया मेजर क्लोरेला ऑसिलेटोर एनाबेना इससे क्या है हमें एलर्जीज वगैरह महसूस होती है ठीक है कुछ एल्गी जो होते हैं क्लोरेला जू क्लोरेला और कुछ और भी होते हैं जो कि क्या होते हैं पैरासाइटिक होते हैं क्या होते हैं पैरासाइटिक होते हैं एक्वेटिक इन्वर्टिव रेट्स पर जैसे कि हाइड्रा हो गया स्नेल हो गया स्पॉन्जेस हो गया म्यूसल्स हो गया इनके ऊपर क्या है एक तरीके से पैरासाइटिक होते हैं ठीक है <trio> एल्गी जो है आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट डिजीज में ठीक है जैसे कि आपका कौन कौन सा हो गया द ग्रीन एल्गा सेफेलो क्या है सेफ हेलो रस काज बाय रेड रस ऑफ टी रिजल्टिंग इन रिड्यूज इल्ड क्या है कि वो आपको टी पे रेड रस्ट के तौर पर आपको दिखेंगे जो कि क्या करते हैं एक तरीके से चाय पत्ती की ईल्ड को घटा देते हैं ठीक है तो ये चीज़ हमने बहुत पहले जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना तब हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस करा कर था ठीक है अब देखिए क्या क्या कौन कौन सा पार्ट रह रहा है बच रहा है तो देखिए लास्ट अब हम ऐसे क्यू थ्री पे सिक्स पे आ गए सॉरी तो ऐसे क्यू सिक्स को अब हम करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है मैचिंग है मैचिंग नहीं क्या कह रहा हूँ मैं फिल इन द ब्लैंक से तो देखिए कंप्यूटर स्लो हो गया मेरा वाई इट इज हैपनिंग देखिए तो इसको अब हम करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका बीच में आ जा हाँ एक और है हाँ तो देखिए क्या एलगलेनेट है जो कि प्रेजेंट होता है आपका कौन से सीवेड में प्रेजेंट होता है तो आपको मालूम है मतलब कहाँ किस में प्र... होता है किस में होता है ये एलगेनेट्स uh, की बात करें तो ये आपका किसमें होता है सेल वॉल में होता है ना याद होगा आपको सेल वॉल ऑफ सीवीड सीवीड के सेल वॉल में एलगेनेट्स प्रेजेंट होता है जो कि आपका क्या है आपके जेली हो गया जैम हो गया किसी भी चीज़ को थिकनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है अब बात करें दे आर एक्सट्रैक्टिंग बाय यूजिंग ऑफ डैश बिकॉज सोडियम एल्गेनाइट इज सॉल्यूबल इन वाटर तो किस चीज का यूज करके हम क्या है सोडियम एलगेनाइट को निकालते एक्सट्रैक्ट करते हैं तो याद होगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम एन भी लिख सकते हैं क्या है सोडियम हाइड्रो हाइड्रोक्साइड ठीक है तो ये बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप कर लीजिएगा देन क्या है द कोलॉइड्स प्रेजेंट इन सी वीड्स आर कॉल्ड ये कौन से कोलॉइड्स आपके जो सी वीड्स में प्रेजेंट होते हैं बताइए तो ये वो होते हैं फाइव क्या होते हैं फाइ गलत लिख दिया ठीक ठीक है। है। था ना? ठीक है? अब बात करें एलगेनेट्स आर यूज फॉर मेकिंग किसके लिए यूज किया जाता है तो कौन सा डैश प्रूफ फैब्रिक एंड कौन से आर्टिकल्स में यूज किया जाता है तो फ्लेम प्रूफ आर्टिकल होता है सॉरी फैब्रिक होता है जो कि फ्लेम से बचाता है और कैसे आर्टिकल्स होते हैं आपके तो प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं एलगेनाइट्स की अब बात करें एलगेनिक एसिड की जो कि क्या होता है हाईली होता है डैश देयर फोर इट इज यूज इन सर्जिकल ऑपरेशन टू स्टॉप डैश इफेक्टिवली तो कौन से क्या किस चीज़ में हाईली होता है ये तो एब्जॉर्बेंट आपका क्या है एलगेनिक एसिड आपका एब्जॉर्बेंट भी होता है अच्छा खासा एब्जॉर्बेंट होता है जो कि जब मान लीजिए कि क्या हो हाईली ब्लीडिंग हो रहा हो सर्जिकल ऑपरेशन में तो वो क्या करता है uh, क्या करता है उसे ब्लीडिंग को इफेक्टिवली स्टॉप करता है ना हाईली ब्लीडिंग जब होता है ना काटपीट करते हैं ना ऑपरेशन में तो देन क्या है वो ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है अब बात करें अगर जो है यूज का डैश मीडियम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या है कौन से मीडियम के लिए यूज करते हैं तो अगर एज अ कल्चर मीडियम क्या है आ, एक तरीके से जब हम क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं अगर का है ना अगर मीडियम भी हम इसे कहते हैं देन देखिएगा सेल वॉल ऑफ डाइटमिशियस डायटम रिजिड सेल रिजिड बिकॉज इट इज Uh, क्यों होता है ये बताइए रिजिड उसका क्यों होता है डायटम uh, डायटम्स तो इसमें क्या होता है आपका आपको मिल जाएगा स्लाइसीफाइड क्या है स्लाइसीफाइड इसका स्ट्रक्चर रिजिड सेलवोल होता है स्लाइसीफाइड होता है इस कारण ये क्या है रिजिड होता है स्लाइसीफाइड ठीक है अब बात करें डे एटोमाइट यूज एज एब्रेसिव इन डैश पॉलिसिंग पाउडर तो क्या है आपका आ, कौन से पॉलिसिंग पाउडर में आपका क्या है डा एटोमाइट यूज होता है तो याद करिए स्कोरिंग क्या है स्कोरिंग ठीक है कैरोटीन की, तो uh, तो की क्या प्रॉपर्टीज होती है बताइए तो ये क्या होती है एंटी कैंसर होती है क्या होती है एंटी कैंसर होती है तो ये याद रखिएगा बीटा कैरोटीन आइडेंटिफाई किया जाता है क्यों क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है एंटी कैंसर होती है ग्लैडिला एक्रोसा की बात करें इसके कैसे प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा इल्डिंग एलगा इन इंडिया जो कि आपको क्या है इंडिया में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है तो ये क्या है एक्रोसा जो है आपका ये अगर इल्डिंग के लिए किया जाता है क्या अगर इल्डिंग एल्गा होता है इंडिया में है? फिर आयरिस मॉस की बात करिए मेन सोर्स ऑफ क्या होता है बताइए तो ये होता है कैर रे गी नन कैरेगन क्या है कैरे कैरेगिन नन ठीक है नाम ही बहुत इसके अटपटे से हैं जो कि बोलने में भी दिक्कत आता है देखिए कुछ लिस्ट बनाने हैं यूजेस ऑफ मेडिकल यूजेस ऑफ एलगी के ठीक है तो ये आप खुद से करिएगा है ना जैसे कि आपका एंटी बाक्टीरियल हो गया मैं कुछ एग्जाम्पल बोलूँ क्या हो गया एंटी बैक्टीरियल हो गया आपका आपका और क्या क्या हो सकता है आ, एंटी वायरल हो सकता है आपका एंटी वायरल हो सकता है आपका बुक में ढूंढिए और करिए हाइपर हो सकता है हाँ। तो बहुत सारे मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है और कुछ हार्म इफेक्ट्स होते हैं एलगी के जो भी अभी हमने देखा था तो कौन कौन से हार्म इफेक्ट्स हो जाएंगे आपके बताइए तो एक तरीके से आपका क्या है आ, जो टॉक्सिक्स वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं ना एल्गल टॉक्सिन हाँ? कुछ पैरासाइटिक एलगी होती हैं क्या होते हैं पैरासाइटिकल होती है जो कि क्या करती है आ, प्लांट्स वगैरह को इफेक्ट करती है है ना जैसे कि अभी मैंने देखा हमने देखा कि कैसे रेड रस्ट के थ्रू टी के लीव्स वगैरह जो हैं वो क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं है? और क्या क्या है आ, आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी हो जाता है चेंजेस वाटर का क्या है वाटर का आपका क्या है ऑर्डर ओ डी ओ यू आर ऑर्डर और आपका क्या है ये स्मेल भी कह सकते हैं और टेस्ट में चेंजेस आ जाता है तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है ये रही समरी हमारी ठीक है इस चैप्टर की ये चैप्टर आपका पूरा हुआ ये रही आपकी समरी और इसमें कुछ टर्मिनल क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको क्या है वेरियस यूजेज़ ऑफ़ एल लिखने हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पज़ में इंडस्ट्रियल पर्पज़ में वाटर ट्रीटमेंट पर्पज़ में तो यानी इसमें वेरियस टाइप ऑफ पर्पजेज़ हैं जिसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं इस लिस्ट में फिर यहाँ पे क्या है लास्ट वाला सेकेंड वाला आपका क्या है इसमें बताना है थ्री मेजर एडेबल एल के बारे में बताना है जो कि मेरी कंट्रीज़ जो है जो समुद्र के किनारे या मैं बोलूँ आइलैंड कंट्री है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है ठीक है हाउ दे आर कंज्यूम और वो किस तरीके से आपको बताया था ना सैलड में वो कंजर्व करते हैं रॉ फिश के साथ क्या बना के उसको क्या है रोस्ट करके भी उसे खाते हैं देखिए क्या है आ, इसमें क्या, है? कि बायो के आपको बताने हैं क्या, क्या होते हैं तो ये आप बता दीजिएगा ठीक है बहुत आसान है और क्या है फोर यूजेस ऑफ एलगेनिक एसिड बताने हैं। तो एल्गे एसिड के कौन कौन से जैम बनाना है आपका क्या है जेली बनाना हा? पुडिंग हो गया पुडिंग हो गया तो जो भी चीज क्या है थिकनिंग करने के लिए मेटल को थिक करने के लिए अगर भी आपका हो गया नहीं अगर तो आपका अलग हो जाएगा आ, क्या कह रहा था मैं आ, क्या हो गया मतलब बहुत सारे हो सकते हैं इसमें ठीक है बहुत सारे जो भी चीज़ थिकनिंग आइसक्रीम भी हो सकता है आपका ठीक है आइसक्रीम तो ये सारी चीज क्या है किसी भी मेटल को थिक करने के लिए इसका हम यूज करते हैं तो ये चैप्टर मेरे तरफ से खत्म हुआ एल का पूरा का पूरा टॉपिक हमने क्लियर कर दिया और बचा इसके बाद हमारा फंगई आने वाला नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंगई होने वाला है ठीक है तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी बहुत ही ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा, ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में आप सभी को मालूम ही होगा एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट जाके लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए एंड आपको जो भी दिक्कत हुई होगी इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कोई क्वेरी हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और रही बात इस वीडियो को शेयर करने के लिए तो बहुत मेहनत लगता है इस ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए इस वीडियो को ताकि बहुत सारे बच्चे जो फायदा उठा सके इस वीडियो को क्योंकि एग्जाम का समय है, आप दूसरों की हेल्प करिएगा तभी आपकी सब दूसरा कोई हेल्प करेगा ठीक है तो आपको क्या करना सभी की हेल्प करना है अब मैं भी इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके ठीक है तो मैं जैसे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी सभी के लिए सभी बच्चों के बारे में सोचना है और उनकी करनी है ठीक है सबको शेयर करना है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय